कौशल विकास कार्यक्रम यूनिट नंबर 2 के नाम से अपन लिख सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करें, कौशल विकास कार्यक्रम की बात करें कि कौशल विकास कार्यक्रम कौन से होते हैं पहले वो देखते हैं अपन। क्लियर सभी को? अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेकर, कौशल विकास कार्यक्रम को लेकर। ओके, अब अपने सिलेबस में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कौन से हैं पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं कि कौशल विकास कार्यक्रम कौन कौन से हैं। यहाँ पर कौशल विकास कार्यक्रमों में अपन जो बात डिस्कस करेंगे, पहले मैं नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सबसे पहले योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसके बारे में बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। सेकंड जब अपन बात करेंगे इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ साथ अपन बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टअप योजना, ये भी एक कौशल विकास योजना है या स्किल डेवलपमेंट के संबंधित है। उसके बाद अपन बात कर सकते हैं स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम के बारे में, स्टैंडअप योजना के बारे में। उसके बाद अपन यहाँ पर कौशल विकास के साथ साथ अपना प्रधानमंत्री पीएम मुद्रा योजना के बारे में, पीएम मुद्रा योजना के बारे में, और यहीं पर अपन और भी देखना है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में। किसके बारे में? मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में। ओके, तो ये अपनी मेन बातें अपने आज रहती है। और यहीं पर अपन एक योजना और पढ़ लेते हैं, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, उसको यहीं समझ लेते हैं योजना, इसको यहीं पर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ओके, ये छह योजनाओं के बारे में अपन बात करेंगे कौशल विकास कार्यक्रम के तहत, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। के लिए एक एक को अपन समझते हैं कि एक एक योजना का उद्देश्य क्या है, एक एक का मेन पार्ट क्या है, इसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको लिखा, कौशल विकास कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्टार्टअप योजना है, स्टैंडअप योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा जो है योजना है, मेक इन इंडिया। सभी के बारे में अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जैसा कि मैं बात बताऊं, 15 जुलाई 2014 इस योजना की शुरुआत हुई है, पहली बात तो। उसके बाद आपके सामने चर्चा करूँ स्टार्टअप, इसकी 16 जनवरी 2015, ठीक है, अपन बात करें यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडअप इंडिया बात करें अपन, 5 अप्रैल 2015 को। उसके बाद पीएम योजना 8 अप्रैल 2015। उसके बाद मेक इन इंडिया की बात करें 25 सितंबर 2014, और यहां पर बात करें जुलाई 2019। ये आपकी पांच योजनाएं, पहले पांचों योजनाओं के नाम लिख लीजिए, फिर एक एक योजना को अपन डिस्कस करते हैं। ये 2016 की, सॉरी, ये 2016 और ये 2016, एक बार पांचों योजनाओं के नाम लिख लीजिए, फिर एक एक योजना को अपन डिस्कस करते जाते हैं। नाम लिख लीजिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2014, ये यूनिट नंबर 2 आपका रहेगा जो करंट अफेयर्स के अगर बात करें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर 15 जुलाई 2014, स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016, स्टैंडअप योजना 5 अप्रैल 2016, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो आपकी 8 अप्रैल 2015 को है, और उसके बाद आपकी मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014, और उसका मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 जुलाई 2019। ये आपके टोटल कितनी योजनाएं हैं, छह योजनाओं के बारे में अपन बात यहाँ पर करेंगे। एक बार मैं बोल देता हूँ, वापस सुनते जाइए आप लोग। देखो, अपने करंट का दूसरा पार्ट, दूसरे टॉपिक या दूसरे चैप्टर की ओर अपन बढ़ रहे हैं। दूसरा चैप्टर जो मैंने बनाया आप लोगों के लिए, कौशल विकास कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेकर, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेकर अगर अपन बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2014, उसके बाद स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016 को, उसके बाद स्टैंडअप योजना जो है 5 अप्रैल 2016 को,
पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को, मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है वो जुलाई 2019। ओके, ये टोटल मिला के आपकी कितनी योजना होगी? 5 योजना, जिनके सॉरी 6 योजना, जिनके बारे में क्या करेंगे चर्चा। तो महिला विकास संबंधित योजनाएं अपन 6 पढ़ी थी और कौशल विकास योजनाओं को भी अपन कितने भागों में बांट दिया? 6 भागों में बांट कर अपन डिस्कस करेंगे। रिपीट करते जा रहा हूँ, सोते जानिए। आपका यूनिट नंबर 2 करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग अपन बात करें, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, तो यूनिट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट नंबर 2 वैसे आप देखना चैप्टर टोटल 12 है, 12 चैप्टर्स में आपको मैं अगर बता दूँ, देखिए अपन चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं। जनरली चैप्टर नंबर 1 जैसे माना सैन्य अभ्यास, मैं पहले बता चुका था, यूट्यूब पे आप देख भी सकते हो, आपको मैंने बता भी रखा था, उसको भी अपन देखेंगे अपन वापस। उसके बाद आपको चर्चित किताबें मैंने अपने पेज पे डाल दी थी, वहाँ पर सारी चर्चित किताबों को लिख दिया था, तो 2 चैप्टर वो हो गए थे, 2 चैप्टर। इसके अलावा अंतरिक्ष अभियान दीपिका मैम के द्वारा बताए गए थे आपको, अंतरिक्ष के महत्वपूर्ण अभियान थे वो भी आपको बता दिए, और 2 चैप्टर आपके यहाँ पर। तो टोटल मिला के 5 चैप्टर तो आपके कंप्लीट हो रहे, क्लियर। लेकिन इनको अपन चर्चा करेंगे, मैं आपको बताते जाऊँगा कि करंट अफेयर में कौन कौन सा चैप्टर आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आपको मिलता रहेगा, क्लियर। तो बात करते हैं कौशल विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम तो लिख लिया सब लोगों ने, आप लोगों ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 अप्रैल 2014 को, स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016 को, स्टैंडअप योजना 5 अप्रैल 2016 को, पीएम मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को, मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जुलाई 2019। ये टोटल मिलाकर 6 योजना। अब बात करते हैं एक एक योजना, तो सबसे पहले आप लिख सकते हो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सबसे पहले आप लिखो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ओके। अब देखो सबसे पहले योजना, एक एक योजना को थोड़ा ढंग से समझना, अच्छी तरह सिंपल से पहले योजना। मैंने आपके सामने पहली योजना की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास, कौशल दिवस जो होता है, स्किल डे जो होता है, जब ना कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2014। इस योजना को अपन बात करें, इस योजना को जो उद्यमिता मंत्रालय है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो होता है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो मिनिस्ट्री होती है वो इसको डील करती है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है ये सुनिए। इस योजना का उद्देश्य है कक्षा 10 कक्षा 12 में पढ़ने वाले वे विद्यार्थी या जो स्कूल छोड़ चुके हैं, ड्रॉप आउट हो चुके, उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी युवाओं को एक कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना और उसका एक एग्जाम लेकर उनको एक प्रमाण पत्र देना जिससे वो रोजगार को प्राप्त कर सके, यही इस योजना का मेन उद्देश्य है। बात करना चाहूँगा वापस से, देखो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसका शुभारंभ हुआ आपका 15 जुलाई 2014 को, ओके, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसका शुभारंभ 15 जुलाई 2014 को हुआ, ये आपकी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, अगर मैं बात करूँ इसका कि ये इसका अधीन, ये किसके अधीन है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ये अधीन है आपके कौशल विकास, इसका जो मिनिस्ट्री है वह है आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता, उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री जो है उसके अधीन ये योजना चलती है, पहली बात। फिर आता है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मैं कह सकता हूँ कि कौशल विकास योजना का उद्देश्य है कि युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, मतलब ट्रेनिंग देना, जो आपने नाम था RSCIT वगैरह जो करते थे वो एक अलग कंप्यूटर का था, तो इस योजना में यानी युवाओं को, जितने भी युवा है, युवाओं को कौशल आधारित, कौन सा आधारित है, कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, क्या प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, ओके, यानी युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, ओके, और उसके बाद उनका एक एग्जाम कराकर उन्हें एक प्रमाण पत्र देना जिसके आधार पर वो युवा कहीं पर भी रोजगार को प्राप्त कर सके, यानी एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त कर सके, अपने घर गृहस्थी को चला सके, यही इस योजना का मेन उद्देश्य है। यानी सबसे पहले इसमें ट्रेनिंग दी जाती है 3 माह से लेकर जो होती है ट्रेनिंग होती है, 6 माह तक की जो ट्रेनिंग होती है, अलग अलग कई प्रकार की ट्रेनिंग होती है, जैसे मतलब स्किल को लेकर सिलाई की हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा और कोई मतलब कोई बर्तन बनाने की हो सकती है, या कोई मतलब ब्यूटी पार्लर की हो सकती है, या मान लो कोई कंप्यूटर आधारित हो सकती है, कोई भी हो सकती है,
इसमें 26 प्रकार के कोर्सेज सरकार ने लॉन्च कर रखे हैं। तो सरकार क्या करती है, उन युवाओं को ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग देने के बाद उनका एक एग्जाम कंडक्ट कराती है और एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद उनको एक प्रमाण पत्र देती है। उस प्रमाण पत्र के व्याप पर सरकार तो कहती है कि नौकरी मिलेगी, लेकिन रियल लाइफ में कोई नौकरी होगी नहीं मिलती। लेकिन सरकार ने कहा कि आपको ट्रेनिंग होगी तो अपना हाथ का काम कर पाओगे, हाथ का काम तुम सीख पाओगे, यानी कभी भी बेरोजगार नहीं रहोगे, अपना खुद का काम कर पाओगे। यानी कहने का मतलब, जब आपको सपोज करो कोई भी लेडीज है, कोई भी है, अगर वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखेगी, सिंपल सी बात है, सरकार कोर्स सिखा रही है, कम से कम लागत में कोर्स सिखा रही है, तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, अपनी कोई दुकान चला सकते हो, अपना कोई पार्लर चला सकते हो, जिससे आप अपना रोजगार कर सको। यही इस योजना का मेन उद्देश्य। तो लेके शुभारंभ, सबसे पहले शुभ लेता हूँ 15 जुलाई 2014 पहले को मंत्रालय की मिनिस्ट्री कौन सी, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, हाँ बताइए सर। 14 है सर, यार देख ला भाई, हो सकता कहीं पे तारीख लगे क्या हो, एक साल 2014 की सरकार बनी थी, कम से कम हो सकता है सर, एक बार कम का बोला सर, हो सकता है गलत हो, मेरे को आईडिया नहीं, कई बार गलत हो जाए इसमें, तारीख को लेकर हो सकता है कोई इशू नहीं है। हाँ एक बार देख लो, कंफर्म करो। अरे बोलो 15 जुलाई तो हो गया ना, कौशल दिवस है, स्किल डे उसके डे मनाएगा तो बोलो कन्फर्म है, कोई इशू नहीं है। स्किल डे जो मनाया जाता है 15 जुलाई को मनाया जाता है, वो तो बोलिए आप कोई बात नहीं, पर 15 कर लो, कोई इशू नहीं, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं, लो 2015 ओके 15 जुलाई 2015 लिखे आगे इसमें लिखो, शुभारंभ लिखिए 15 जुलाई 2015 मंत्रालय को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन। फिर आप उद्देश्य लिखिए, इस योजना का उद्देश्य आप लिख सकते हो, उद्देश्य अब देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य कम पढ़े लिखे या 10वीं 12वीं कक्षा ड्रॉप आउट कहते हैं छोड़ना, बीच में छोड़ देना, ड्रॉप कर देना, ड्रॉप आउट युवाओं को 10वीं 12वीं कक्षा ड्रॉप आउट युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है, मतलब प्रशिक्षण प्रदान करना है, ट्रेनिंग देना है। उसके बाद उनकी एक परीक्षा आयोजित करवाकर उन्हें प्रमाण पत्र देना होता है, उन्हें प्रमाण पत्र देना होता है ओके आगे ये तो क्या उद्देश्य है। अब लिखो विशेष, कि इस योजना की विशेष बात क्या है, ये देखिए आप लोग। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी विशेष बात यह है कि इस योजना के अंदर 3 तरह के कोर्स सरकार चला रही है, 3 महीने का, 6 महीने का और साल भर का। एक कोर्स साल भर का भी है, मतलब 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है और साल भर के, 3 तरह के कोर्स सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसकी फीस कौन देती है, सरकार के द्वारा फीस दी जाती है, सरकार के द्वारा पेमेंट किया जाता है, रीजनेबल न्यूनतम दर पर या न्यूनतम फीस पर ये ट्रेनिंग देती है, ठीक है। तो लिखो इसमें, लिखो विशेष, लिखो इस योजना के तहत सरकार द्वारा
इस योजना के तहत सरकार द्वारा 3 माह है, इस योजना के तहत सरकार द्वारा 3 माह है, 6 माह है, 3 माह है, 6 माह है और 1 वर्ष तक के लिए, और 1 वर्ष तक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। ओके, तो अपन कहते हैं ना बाकी पीस तो सब अलग अलग मैटर है, तो अपन इसमें इतना ही समझ सकते हैं कि योजना का उद्देश्य कौशल आधारित प्रशिक्षण देना, उनको प्रमाण पत्र देना जिससे वो अपना स्वयं का रोजगार कर सके, यही इस योजना का मेन पर्पज है। ओके, सेकंड आप लिखिए आप लोग स्टार्टअप योजना, सेकंड योजना आप लिख सकते हो स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना आप लिख सकते हो, स्टार्टअप इंडिया योजना आप लिख सकते हो। स्टार्टअप इंडिया योजना, अब देखो स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है, पहले इसको इसमें 2-3 लाइन में आप समझ सकते हो शॉर्ट में। स्टार्टअप इंडिया ये भी एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट माना जाता है, इसका शुभारंभ अपन मानते हैं 16 जनवरी 2016 से। अब सुनिए यहाँ पे काम की बात, यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप, अब पहले बात है स्टार्टअप क्या होता है, ये बड़ी बात है। स्टार्टअप किसे कहते हैं, स्टार्टअप मतलब वह उद्योग जिसको शुरू हुए अभी 5 साल से कम हुए, उसकी अवधि 5 साल से कम है, उसको स्टार्टअप यानी इसके तहत स्टार्टअप किसे माना गया है, उस उद्योग को स्टार्टअप के तहत शामिल किया जाएगा जिसको स्थापित हुए कितने साल हुए, 5 साल। उस उद्योग को डेवलप करने के लिए सरकार क्या करती है, इस योजना के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का पैसा देने का क्या करती है, काम करती है, यानी सरकार के द्वारा एक न्यूनतम दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ओके, और इस योजना के ये भी कहा कि इस योजना के माध्यम से जिस उद्योग की स्थापना सरकार करेगी या जो उद्योगपति करेगा उस उद्योग से जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के प्रथम 3 सालों तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट रहेगा, उसके बाद टैक्स का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, 3 वर्ष तक टैक्स रखा गया, फ्री रखा गया। सुना जाता है क्या करते हो, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम उद्देश्य है कि राज्य में या देश में अधिक से अधिक मात्रा में नए नए उद्योगों की स्थापना करना, इसका उद्देश्य क्या है, उद्योगों की स्थापना करना, नए नए उद्योग करना और स्किल डेवलपमेंट को, युवाओं के स्किल को बढ़ावा देना, ये इसका पॉइंट पार्ट है, यानी उद्योग ज़्यादा खुलने चाहिए। अब बात आती है उद्योग ज़्यादा कैसे खुलेंगे, ये बड़ी बात है, तो उद्योग ज़्यादा खुलने के लिए 2 रीजन है, एक तो उनको पैसा दो और उनका टैक्स भर लो, अपने आप उद्योग खुल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सरकार ने एक क्या किया, एक रियायती दर पर उनको एक निश्चित सीमा तक उनको ऋण देना शुरू किया गया, स्टार्टअप के नाम से लोन उठा सकते हैं और उसके बाद अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। फिर दूसरा, लोन तो उठा लिया लेकिन मान लो लोन उठाने वाले उस कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ या प्रॉफिट बहुत कम हुआ, तो प्रॉफिट अगर कम हुआ तो टैक्स देना पड़ेगा, तो सरकार ने यह भी कह दिया कि 3 साल तक कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, यानी नया स्टार्टअप योजना के तहत जिस उद्योग की स्थापना की जाएगी उस उद्योग को अगले 3 वर्षों तक उसके लाभ पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लिया जाएगा। जब सरकार इतना बेनिफिट अगर करेगी तो राज्य के अंदर देश के अंदर नए नए उद्योग क्या बनेंगे, खुलेंगे। तो लिखिए इसमें आगे लिखो स्टार्टअप इंडिया योजना, लिखो शुभारंभ, लिखो 16 जनवरी 2016, शुभारंभ लिखे 16 जनवरी 2016। आगे उसके बाद देखो उद्देश्य, उद्देश्य लिखे तो अपन एक शब्द कहते हैं कि इस योजना, अपन कहते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में अधिक से अधिक मात्रा में नए नए उद्योगों की स्थापना करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य। तो देखो इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में नए नए उद्योगों की स्थापना करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में नए नए उद्योगों की स्थापना करना, देश में नए नए उद्योगों की स्थापना करना, देश में नए नए उद्योगों की स्थापना करना तथा तथा देश में नए नए उद्योगों की स्थापना करना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, ठीक है। तो नए नए उद्योगों की स्थापना करना और रोजगार के नए नए अवसर जनरेट करना, सृजन करना, यही स्टार्टअप इंडिया योजना का मेन उद्देश्य है। अब लिखो विशेष,
की विशेष क्या बात है। अब विशेष में दो बातें मैं आपको कहूँ या तीन बातें कहूँ। पहली बात कि स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत स्टार्टअप किसे माना जाएगा? स्टार्टअप उसे माना जाएगा जिसको स्थापित हुए अभी तक 5 साल से कम हुए, पहली बात। तो दूसरी बात, इस योजना के तहत नया उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा एक ब्याज, मतलब न्यूनतम ब्याज दर पर एक राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, मतलब कम से कम ब्याज दर पर आपको लोन आपको मिलेगा, ओके। और तीसरी बात, इस योजना के तहत जो उद्योग स्थापित हो चुका है, जैसे स्टार्टअप के तहत अगर पैसा उठाकर अपना व्यापार शुरू किया है, उस उद्योग को अगले 3 वर्षों तक अपने लाभों पर सरकार को कोई टैक्स देना अनिवार्य नहीं है, मतलब उसके बाद टैक्स को फुल्ली क्या होगा, एडजस्ट होगा, उसको टैक्स देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पॉइंट नंबर लिखो, इससे तो पहला पॉइंट लिखो, इस योजना के तहत स्टार्टअप, इस योजना के तहत स्टार्टअप उस उद्योग को माना जाएगा, इस योजना के तहत स्टार्टअप उस उद्योग को माना जाएगा, इस योजना के तहत स्टार्टअप उस उद्योग को माना जाएगा, इस योजना के तहत स्टार्टअप उस उद्योग को माना जाएगा जिसकी स्थापना हुए अभी 5 वर्ष से कम है, जिसकी स्थापना हुए अभी 5 वर्ष से कम है, मतलब 5 साल भी अगर उसकी स्थापना को नहीं हुई, स्टार्टअप का ही पार्ट माना जाएगा एक तरह से, जिसकी स्थापना को अभी 5 वर्ष से कम हुए, ओके, उसको आप स्टार्टअप मानोगे, और स्टार्टअप मानोगे तो आपको छूट मिलेगी सरकार की तरफ से। सेकंड लिखिए, पॉइंट नंबर सेकंड, फिर सेकंड अपन क्या कर सकते हैं, फिर अपन सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया योजना के माध्यम से, स्टार्टअप योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा नया उद्योग स्थापित करने हेतु एक न्यूनतम ब्याज दर पर उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ओके। तो लिखो, इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा, 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 केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा एक नया उद्योग स्थापित करने हेतु, 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 एक नया उद्योग स्थापित करने हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर, न्यूनतम ब्याज दर पर, न्यूनतम ब्याज दर पर, न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ओके। और एक पॉइंट और लिख सकते हो, फिर अपने एक पॉइंट ये बता सकते हैं कि स्टार्टअप के माध्यम, स्टार्टअप योजना के तहत जो भी उद्योग स्थापित होगा उस उद्योग के द्वारा पूरे अगले 5 सालों तक जो भी लाभ कमाया जाएगा उस लाभ के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा, कर मुक्त रहेगा। सॉरी, अगले अगर मान अगले टैक्स कितने साल तक रहेगा, 3 साल से, अगले 3 साल तक उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स फ्री, यानी टैक्स फ्री जो रहेगा, टैक्स फ्री का जो प्रावधान है वो कितने साल तक रखा गया, 3 वर्ष तक उस उद्योग के ऊपर लाभों के ऊपर कोई टैक्स उनको देना जरूरी नहीं होगा। तो लिखिए इसमें, इसमें लिखो, इस योजना के तहत स्थापित उद्योगों को, 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 इस योजना के तहत स्थापित उद्योगों को अगले 3 वर्षों में होने वाले लाभों पर, अगले 3 वर्षों तक होने वाले लाभों पर, अगले 3 वर्षों तक होने वाले लाभों पर, अगले 3 वर्षों पर होने वाले लाभों पर, अगले 3 वर्षों तक होने वाले लाभों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं दिया देना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ेगा, यानी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एग्जम्प्ट रहेगा, टैक्स का कोई प्रावधान वहां पर नहीं रहेगा। वो बड़े उद्योगों को मिलते हैं, हम छोटे मोटे उद्योग के, ठीक है ना, नहीं देना। और ये चीज तू समझता, बाकी लोग थोड़ा समझते, ये तू समझता, बाकी लोग क्या समझेगा, बाकी लोग तो इनकम टैक्स जानते नहीं, ATID क्या होता है,
ये तो आप जानते हो। और छूट मिलती है, लेकिन कुछ छूट होती है योजना के माध्यम से मिलती है। अच्छा, खास बात यह है इसमें कि पैसा कौन दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। गवर्नमेंट दे रही है कि आप पैसा लो और व्यापार शुरू करो, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट पर टैक्स आपसे नहीं लेंगे। 3 साल तक नहीं लेंगे, उसके बाद सोचेंगे। उसके बाद सोचना रहेगा देंगे नहीं देंगे। अभी तो 3 साल चले तो उसके बाद देखेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, देखा जाएगा। क्लियर? आगे तो देखो, पहली योजना अपन ने पढ़ी प्रधानमंत्री को, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था आपके, फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया क्वेश्चन था, कॉमर्स में आया था। स्टार्टअप योजना के तहत कर में कितने वर्षों तक छूट होती है? 3 वर्षों तक होती है। स्टार्टअप योजना के जो भी उद्योग स्थापित होगा उस पर 3 साल तक की छूट मिलेगी, 3 साल तक की छूट सरकार के द्वारा दी जाएगी। ओके, और सबसे बड़ी बात है, इस योजना की शुरुआत जो हुई थी उस समय केंद्रीय सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। 10,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने दिया था। ये कहा था कि इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप खुलने चाहिए, छोटे स्तर के उद्योग, क्योंकि सरकार का मानना था कि छोटे स्तर के उद्योग खुलेंगे तो देश का विकास होगा। क्योंकि आज भी अधिकतर कंपनियों में जो छोटे स्तर की कंपनियां होती है वहां पर लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है। तो रोजगार को बढ़ाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, देश में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके सिलेबस में क्या डाल रखा है? भारत के विकास कार्यक्रम। तो भारत के विकास के लिए स्टार्टअप होना चाहिए, अर्थात ज्यादा ज्यादा मात्रा में उद्योग खुलने चाहिए। ज्यादा ज्यादा मात्रा में उद्योग खुलेंगे तो सिंपल सी बात, उत्पादन क्षमता देश की बढ़ेगी और देश विकासशील से विकसित की ओर बढ़ेगा। यह भी इस योजना का मेन उद्देश्य था। तो सिंपल सी बात है, कहने से कभी कुछ नहीं होता, कहने के साथ साथ सरकार को कुछ करना पड़ेगा। तो सरकार ने 2 ऑफर इनको दिए कि एक तो आपको हम लोन देंगे कम से कम ब्याज पर देंगे, और प्लस से आप जो भी लाभ कमाओगे उस लाभ के ऊपर कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ कैसे, देखो जैसे कि मान लो अभी मिशन क्लासेस के द्वारा अगर मान लो एक नया कोई प्रोडक्ट खोल दिया जाए, मान लो कोई ऐप लॉन्च कर दिया जाए, और हम एक कंपनी इसको बना दे, एक कंपनी का दर्जा इसको दे दे, अगर अपन कहते मिशन क्लासेस या मिशन जो है इंस्टीट्यूट, अपन मान लो मिशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड कर दे या लिमिटेड कंपनी का दर्जा इसको दे दे, और एक ऐप लॉन्च कर दे, तो ऐप लॉन्च करने के बाद उसके लिए फंडिंग की आवश्यकता होगी। तो फंडिंग कहाँ से लेंगे? सरकार से। सरकार से हम फंड उठाएंगे और उसके बाद उस ऐप से जितना भी प्रॉफिट्स होगा उस प्रॉफिट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 साल तक वो एग्जम्प्ट रहेगा, 3 साल तक उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा, निगम कर नहीं लगेगा। जो 30% लगता है वो 30% क्या हो जाएगा? बच जाएगा। ये सरकार ने इस योजना के तहत प्रावधान किया। फिर बात करते हैं इसी का दूसरा, इसी के तहत दूसरी योजना, दूसरी योजना की मैं बात करूँ, स्टैंड अप योजना। कौन सी योजना? स्टैंड अप योजना। अब स्टैंड अप योजना की अगर बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई है अप्रैल 2016 में। कब? हाँ, ज्यादा हो जाएगा टैक्स, टैक्स इनकम में होते टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। 3 साल के बाद तो टैक्स देगा देगा। मैंने कंपनीज के लाभों के ऊपर हमेशा टैक्स लगता है, ज्यादा कम नहीं होता। कंपनीज के ऊपर लाभों के ऊपर टैक्स लगता है, कम ज्यादा नहीं होता। वो इनकम टैक्स थोड़ी है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। कंपनीज के प्रॉफिट्स के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, निगम कलर, निगम का चाहे 10 रुपए का लाभ हो, चाहे 10 करोड़ का लाभ हो, चाहे 10 लाख का लाभ हो, चाहे 10,000 का लाभ हो, टैक्स लगेगा। कितना परसेंट? 30%। तभी तो कहते हैं निगम कर जो होता है ना वो आपका होता है समानुपाती। कौन सा होता है? समानुपाती, मतलब 1:1 में लगेगा। चाहे कितना ही प्रॉफिट हो, चाहे कितना ही हो, आपका टैक्स लगेगा 1:30। कितना परसेंट लगेगा? 30%। निगम कर को समानुपाती कर कहते हैं, समानुपाती कर प्रणाली बोलते हैं, यानी प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम अपन कहते हैं। कारण ये होता है क्योंकि प्रॉफिट चाहे कितना ही हो, अगर मान लो मेरी कंपनी है उसका 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो भी मेरे को कितना परसेंट देना है? 30%। आपकी कंपनी अगर इसको 1 लाख का प्रॉफिट होगा तो भी कितना देगा? 30% देगा। टैक्स की अमाउंट चेंज हो सकती है, रेट तो क्या रहेगी? 30 ही रहेगी, फिक्स रेट है। जैसे सपोज करो आज आप जीएसटी की बात करते हैं, तो जीएसटी क्या है, जिसको 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार लागू किया, तो जीएसटी क्या है? तो जीएसटी मतलब एक प्रोपोर्शनल टैक्स है, मतलब आपकी फीस कितनी हो जीएसटी 18% ही लगेगा। अगर तुम यहाँ पढ़ने आते हो 10,000 पीस है तो भी 18% टैक्स लगेगा। अगर यहाँ पढ़ने आते हो 20,000 पीस है तो भी टैक्स कितना लगेगा? 18% लगेगा। अब ये थोड़ी है कि 10,000 की पीस पर 5% जीएसटी लगेगा, 20,000 की जीएसटी हो जाए। इनकम टैक्स होता ना कि 5 लाख तक फ्री होगा, 8 लाख तक 5% होगा, 8 से 10 लाख तक 20% होगा, 10 से ऊपर 30 लाख होगा, 30, तो वो होता है एक अपना होता है, उसको प्रगतिशील करारोपण, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन उसको कहते हैं। तो यहाँ पर बोलेगा कि 3 साल तक तो फ्री है, 3 साल के बाद उस कंपनी को जो प्रॉफिट होगा वो ध्यान 3 साल के ऊपर ही, अगले 4थे साल से जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट के ऊपर कितना देगा? 30% देगा। अगर वो कंपनी इंडियन कंपनी है तो, अगर वही कंपनी, अगर वही स्टार्टअप कौन सा हो फॉरेन का होगा तो सिंपल से उस पर कितना परसेंट देना पड़ेगा? 40% टैक्स अपना लगता है, क्योंकि निगम कर 2 होते हैं, एक डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर कितना लगता है? 30, और फॉरेन कंपनीज पर कितना लगता है? 40। ओके, क्लियर सभी को? अब बात करते हैं तीसरी योजना।
तीसरी योजना जिसको बोलते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप। अब ये क्या बात है, अब देखो इसमें कोई खास नहीं, सब कुछ सब समान, सारी बातें समान है, स्टार्टअप है और स्टैंड अप, केवल इतना सा फर्क है। ये योजना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतलब युवाओं के लिए और महिला वर्ग के लिए बनी है, सीधी बात है। यानी इसका एक विशेष पर्पज हो गया, ये तो सभी के लिए है, एससी एसटी ओबीसी जनरल वर्ग कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकता है। स्टैंड अप इंडिया योजना का बेनिफिट केवल अनुसूचित जाति एससी एसटी वर्ग के युवा और महिला वर्ग, महिला चाहे एससी की हो चाहे जनरल की चाहे कोई भी हो, ये योजना तीन लोगों को बेनिफिट देगी, एससी एसटी और महिला, इनको इस योजना के तहत सरकार पैसा देगी और इनको व्यापार चलाने के लिए बोलेगी। और वही बात है, इनको भी तीन साल तक टैक्स क्या रहेगा, फ्री रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, टैक्स लगेगा। दोनों योजना सेम है, यहाँ पर भी उद्योग की स्थापना की जाएगी, यहाँ पर भी उद्योग की स्थापना, यहाँ पर कोई भी उद्योग खोल सकता है, लेकिन स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को, सुना ध्यान से, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा एक रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और उस योजना के तहत स्थापित उद्योग को अगले तीन सालों तक होने वाले लाभ पर सरकार के द्वारा कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। यही इस योजना का मेन उद्देश्य है। तो स्टार्टअप और स्टैंड अप में थोड़ा बहुत फर्क है, ये सभी वर्ग के लिए है, लेकिन ये केवल और केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के उद्यमियों के लिए बनी गई योजना है। तो लिखिए इसमें आगे शुभारंभ, लिखिए कब हुआ शुभारंभ, 5 अप्रैल 2016। फिर उद्देश्य लिखो, उद्देश्य लिखो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यानी स्टैंड अप इंडिया योजना का, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति / जनजाति, अनुसूचित जाति / जनजाति, अनुसूचित जाति / जनजाति, अनुसूचित जाति / जनजाति एवं महिला वर्ग के उद्यमियों को, महिला वर्ग के उद्यमियों को महिला वर्ग के उद्यमियों को, महिला वर्ग के उद्यमियों को नया व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु, नया व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु, नया व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु एक रियायती दर पर, एक रियायती दर पर, एक रियायती दर पर सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे देश में नए नए उद्योगों की स्थापना की जा सके, जिससे देश में नए नए उद्योगों की स्थापना की जा सके, जिससे देश में नए नए उद्योगों की स्थापना की जा सके, जिससे देश में नए नए उद्योगों की स्थापना की जा सके, जिससे देश में नए नए उद्योगों की स्थापना की जा सके। तो ये इसका एक मेन पर्पज है, एससी एसटी और महिला उद्यमी, ध्याना एससी एसटी और महिला उद्यमियों के लिए कौन सी योजना बनी है, स्टैंड। विशेष में लिख लीजिए आप लोग, विशेष में आप पॉइंट लिख सकते हो, एक पॉइंट आप पुरुष जा सकता है क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं ना, एससी एसटी वर्ग बोला है तो वो पुरुष महिला दोनों हो सकती है क्योंकि ऐसा स्पेशल तो बोला नहीं, विशेष में लिखिए आप लोग। अब विशेष में अपन यही कह सकते हैं कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत स्थापित उद्योगों से, स्थापित उद्योगों को होने वाले तीन वर्षों के लाभों पर, प्रथम तीन वर्षों के लाभों पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। तो लिख रहा हूं उद्देश्य लिखो, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत स्थापित उद्योगों को, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत स्थापित उद्योगों को
स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत स्थापित उद्योगों को होने वाले प्रथम तीन वर्षों के लाभों पर होने वाले प्रथम तीन वर्षों के लाभों पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। यानी टैक्स मुक्त रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा, टैक्स सरकार बिल्कुल नहीं लेगी। ओके, देखिए बात करें अपन, अभी अपन ने कौशल विकास कार्यक्रम की बात चल रही है अपनी। मैंने कितनी योजनाओं के बारे में बता दिया कि भारत के कौशल विकास कार्यक्रम में अपन तीन कार्यक्रम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री, कौन से मंत्री, प्रधानमंत्री कौन सा विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, इसके बारे में अपन बात की। या योजना बोलो, कार्यक्रम बोलो, एक ही बात है। बताओ कब शुरुआत हुई थी? 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण देते, ट्रेनिंग देते, एग्जाम लेते, सर्टिफिकेट देते, और उससे वो युवा अपना रोजगार शुरू कर सके, यही इस योजना का मेन उद्देश्य है। बात की अपन ने कौन से कार्यक्रम की, बात की स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया योजना या स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की अपन ने बात की। मैं बता चुका इस योजना की शुरुआत अगर बात करें कौन से जनवरी, 16 जनवरी 2016 को इस योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत नया उद्योग स्थापित करने पर सरकार द्वारा उनको एक रियायती दर पर ऋण दिया जाएगा और उस उद्योग से होने वाले लाभ पर प्रथम तीन सालों तक कोई टैक्स नहीं लेगी। ओके, फिर अपन बात की SC ST और महिला वर्ग के लिए कौन सी योजना, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत हुई है कौन से अप्रैल, 5 अप्रैल 2016 को। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला वर्ग के उद्यमियों को एक रियायती दर पर ऋण देना और उस उद्योग से होने वाले लाभ पर प्रथम तीन सालों तक कोई टैक्स नहीं लेना। तो कितनी योजनाओं को पढ़ चुके अपन, तीन योजनाओं को पढ़ चुके यूनिट नंबर 2 में, यानी करंट अफेयर्स की यूनिट नंबर 2 चल रही है आपकी, यानी कौशल विकास कार्यक्रम, यानी भारत के विकास कार्यक्रम जो है, भारत को डेवलप करने के कौन कौन से कार्यक्रम अब तक बने हैं उनके बारे में। ओके, इसी श्रृंखला में अपन चौथे कार्यक्रम को बढ़ते हैं, मेक इन इंडिया को पढ़ लेते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, जैसे आप कई बार सुनो बनाओ भारत, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। तो अगला लिखो मेक इन इंडिया कार्यक्रम, बनाओ भारत कार्यक्रम, जिसको अपन कहते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। अब ये क्या है, सुने जाते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर, सुना ध्यान से, कार्यक्रम जो है 25 सितंबर 2014, यानी मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के उपलक्ष पर हुई थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को। ओके, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में हुई और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है देश में अधिक से अधिक मात्रा में नवाचार को बढ़ावा देना और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मेक इन इंडिया कार्यक्रम का देश में, इसका नाम क्या, देश में उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, और नवाचार को इम्प्रूव करना, नवाचारी कार्यक्रम को व्यवस्थित करना, नवाचार इनोवेशन, नए नए कार्यक्रम वगैरह। और इस योजना के तहत विशेष बात है कि इसके अंदर देश में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए विदेशों से FDI को अधिक से अधिक मात्रा, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आज भारत में विदेशों से जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो पैसा आ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है मॉरिशस से आता है, सेकंड नंबर सिंगापुर से आ रहा है, तो मॉरिशस सिंगापुर जो कंट्रीज है जो भारत में अधिक से अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रही है, उस इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा कारण है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम में ही सबसे बड़ा कारण, और मेक इन इंडिया की वजह से ही, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की वजह से ही आज वर्तमान में भारत जो है वो विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था हो गया, 7वीं अर्थव्यवस्था, पहले कौन सा था, 6ठी, लेकिन अभी एक कदम पीछे आ चुका, वापस 6ठे नंबर पर कौन पहुंच चुका, फ्रांस। ओके, और भारत कौन सा नंबर आ गया, 7 है। तो भारत जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के बैठा है अभी, मतलब विश्व के नंबर वन तो नहीं कह सकते, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, अगर ब्रिटेन की बात करें तो भारत अभी वर्तमान में कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है,
सातवें नंबर की अर्थव्यवस्था, पहले कौन सा नंबर पे आ गई थी, छठे नंबर पे, लेकिन वापस एक कदम पीछे आ गई। उस एक कदम के पीछे बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे अभी आरबीआई के गवर्नर के पद का इस्तीफा देना, देश में मंदी के हालात होना, ऐसे कई रीजन हो सकते हैं। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य था अधिक से अधिक मात्रा में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, यानी विदेशी कंपनियां जितना चाहे पैसा भारत में लगा सकती है, भारत सरकार ऊपर कोई रोक टोक नहीं करेगी। आते जो वॉलमार्ट, बिग बाजार, फैशन प्लांट वगैरह जो भी है, ये सब मेक इन इंडिया का ही पार्ट है, यानी अधिक से अधिक कंपनियां भारत में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। ओके, अब बात करते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत को सबसे ज्यादा पैसा कौन दे रहा है, मॉरीशस। सेकंड नंबर पे कौन दे रहा है, सिंगापुर। ये सबसे ज्यादा भारत में एफडीआई दे रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की उत्पादन क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है, और देश विकास से क्या हो रहा है, विकसित की ओर हो रहा है। ठीक है, यानी आज अपन कहना जीडीपी में भारत की ग्रोथ ज्यादा हो रही, जीडीपी में भारत की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण कौन सा है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। और आपको एक बात क्लियर कर दूं, अभी हाल ही में 2019 में जब आपको मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा, तो नरेंद्र मोदी जी को मार्केटिंग का बेस्ट पुरस्कार दिया गया। ओके, फ्लिपकॉर्टलर मार्केटिंग अवार्ड जो होता है, जो अधिकतर जो होता है कंपनीज के द्वारा दिया जाता है, फ्लिपकॉर्टलर मार्केटिंग अवार्ड फ्लिपकॉर्टलर को, क्योंकि विपणन का जनक किससे माना जाता है, फ्लिपकॉर्टलर को माना जाता है। विपणन प्लान मार्केटिंग का जनक जो है वो फ्लिपकॉर्टलर को माना जाता है। जब मैनेजमेंट पर अपन पढ़ते कई बार देखते हैं, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, ये इतनी सारी सरकार ने योजना नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, तो इसको अपन मार्केटिंग का जनक कहा जाता है। ये कहते हैं देश के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बेस्ट मार्केटिंग अवार्ड जो मिला अभी फ्लिपकॉर्टलर का फ्लिपकॉर्टलर मार्केटिंग अवार्ड जो मिला वो किसको बोला है, नरेंद्र मोदी जी को बोला। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी को भी हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया, मार्केटिंग का अवार्ड दिया गया, फ्लिपकॉर्टलर मार्केटिंग पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया। हालांकि जब आपको मैं व्यक्तित्व तो पढ़ाऊंगा, कई व्यक्ति होते हैं, नरेंद्र मोदी जी को 2019 में लगभग 7 अवार्ड मिले। कितने मिले, 7 अवार्ड। सियोल का अवार्ड मिला है, बहरीन का अवार्ड मिला है, यूए का अवार्ड मिला है, फ्रांस का अवार्ड मिला है, मार्केटिंग का अवार्ड मिला है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। क्लियर, तो अपन ये कह सकते हैं इनका कारण क्या है, जब फ्लिपकॉर्टर का अगर ये स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्योंकि इसको कहते हैं प्रबंधन का जनक है, जैसे पहले अगर बात पीटर ड्रकर था, हेनरी पियोल था, एफडब्ल्यू टेलर था, आज नरेंद्र मोदी जी को भी एक बेस्ट मैनेजमेंट माना जाता है कि इसने देश का मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर रखा है, जिसका सबसे पहला जब भी बात आती ना तो सबसे पहला कार्यक्रम कौन सा था, मेक इन। और सबसे पहले यही बनाया इसने, बात है डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, इस कार्यक्रम सब बात के सबसे पहला जब आया था तो 25 सितंबर 2014 को सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के उपलक्ष पर, यानी अंत्योदय दिवस के दिन सरकार ने पहली सबसे बड़ी योजना मेक इन इंडिया कार्यक्रम बनाई थी। और आपको बताना चाहूंगा मेक इन इंडिया कार्यक्रम को जब लॉन्च किया गया था, उस समय देश के बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर सम्मेलन बैठे थे, और जब वो बैठे थे तो कई लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना भी की थी। आलोचनाओं में सबसे पहले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय आलोचना नहीं करते तो आज मैं कह सकता था अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा अगर बात करें भारत रत्न से कौन सम्मानित किया जाता, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया जाता। लेकिन वो मोदी के खिलाफ बोला, खिलाफ बोलते बस अवार्ड से बच गया, क्योंकि अर्थशास्त्र अगर आप देखोगा किसको बोला, प्रणब मुखर्जी को। तो प्रणब मुखर्जी की अगर बात करें तो प्रणब मुखर्जी को अवार्ड देने की जरूरत कहां पड़ी थी। आज अगर मैं कहूं कि अगर वाकई में अगर इसके अगर अर्थशास्त्र के विषय में ही अवार्ड देना था, अगर किसी राजनेता अगर किसी पॉलिटिशियन को अवार्ड देना था तो अवार्ड देने में सबसे आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह रहने चाहिए, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने वाला कौन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बात करते हैं 24 जुलाई 1991 के समय की, उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का बड़ा योगदान था। अगर उस समय वो नहीं होते तो भारत वापस गुलामी के कगार में था। लेकिन इसने सबसे बड़ी गलती कर दी 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को जब डॉक्टर मनमोहन नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की थी, जब अंबानी वगैरह बैठे सब लोग बैठे थे, तो ये कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश को नया विचार देगा, नई विचार दिशा देगा, और इससे देश में उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, जीडीपी बढ़ेगी, सब बोला। लेकिन उसने कहा कि ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम है वो देश में विनाश का गड्ढा है, क्योंकि बात तो सही थी उसकी, उसका कहना क्या था, क्योंकि भारत गुलाम कैसे हुआ था, ऐसे तो गुलाम हुआ था, तो अपने एक कंपनी को यहाँ पर बोल दिया, वो आते 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 अपना पैर हिस्सा, अपन कहते हैं घर में एक आदमी को रख लेते, वो आते आते पड़ोसी को, उसको उसको उसको, पहले पता लगा उसके लोग ज्यादा, अपने लोग बाहर, वो इतना बोले था। तो बात तो सही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना बिल्कुल सही था। वो कह रहे थे कि मेक इन इंडिया के माध्यम से आप एफडीआई को अगर खुला छोड़ दोगे, एफडीआई मतलब विदेशी कंपनियों को, आप कह रहे हो कि आप चाहे जितना पैसा लगाओ हम मना नहीं करेंगे, हम दानवीर हैं, अब कुछ भी रखो, कितना खोलो, हम बिल्कुल आपको इनवाइट करते हैं, हम आपको मेहमानों का आमंत्रण करते हैं। तो अगर ऐसी कंपनियां भारत में आ जाएगी तो वापस से भारत के मार्केट पर कब्जा किसका हो जाएगा, विदेशों का हो जाएगा, इसीलिए उसका कहना सही था।
ठीक है। इसके अलावा मायावती वगैरह इन लोग का विनाश का गड्ढा है, ये गलत है, ऐसा करना गलत है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 2014 से लेकर 2019 पांच साल पूरे हो जाने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हुई है। तो देश के विकास में, क्योंकि आपके सिलेबस में आ रहा है भारत के विकास कार्यक्रम, तो भारत के विकास कार्यक्रम में सबसे पहला योगदान किसका आता है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का आता है। आरएस में पूछा गया क्वेश्चन था कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से सर्वाधिक मात्रा में एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो कहां से आ रहा है, मॉरिशस से। सेकंड नंबर पे कहां रहा है, सिंगापुर। तो अब लिखिए अगला हैंड आलो, मेक इन इंडिया लिखो, शुभारंभ लिखिए 25 सितंबर 2014, उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य आप लिखो, उद्देश्य आप लिखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, 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 इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में अधिक से अधिक विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में अधिक से अधिक विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में अधिक से अधिक विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में अधिक से अधिक विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, ओके, जिससे जिससे नए नए उद्योगों की स्थापना करके, जिससे नए नए उद्योगों की स्थापना करके, जिससे देश में नए नए उद्योगों की स्थापना करके देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके, देश के उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके, नए नए उद्योगों की स्थापना करके देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके, देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके, ओके। अब विशेष में लिख लो एक बात, इसमें विशेष में आप लिख सकते हो, इसमें एक बात विशेष लिख लीजिए आप। अब विशेष पॉइंट क्या है, सुने ध्यान से, इसका विशेष पॉइंट यह है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से भारत में सर्वाधिक मात्रा में एफडीआई देने वाला देश मॉरिशस, अतः दूसरे स्थान पर कौन है, सिंगापुर। तो आप लिख सकते हो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान में, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान में, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से वर्तमान में भारत में सर्वाधिक मात्रा में, भारत में सर्वाधिक मात्रा में, भारत में सर्वाधिक मात्रा में एफडीआई देने वाला देश, एफडीआई मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको अपन कहते हैं, एफडीआई देने वाला, एफडीआई देने वाला देश मॉरिशस, हमें ना क्या हो बताइए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश देश, पहले स्थान पर मॉरिशस तथा दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। तो सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है, यानी सबसे ज़्यादा पैसा जो भारत के अंदर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, मॉरिशस से। मॉरिशस की कंपनियाँ भारत में इन्वेस्टमेंट करी है सबसे ज़्यादा, पहले स्थान पर मॉरिशस और दूसरे स्थान पर सिंगापुर। तो ये भी देश के विकास का एक कार्यक्रम माना जाता है जिसको बोलते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम, ठीक है। हालांकि इसमें इतना ही समझना, आगे जानकर आपको समझने की जरूरत नहीं है। आगे देखें, अब देखो बात करते हैं अपन, सुने ध्यान से, कितनी योजनाएं पढ़ ली अपन ने, चार। साइड में अपन लिखते जाते हैं, पहली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015, मैं बता चुका। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, स्टैंडअप इंडिया 5 अप्रैल 2016। इसी श्रृंखला में अपन ने पढ़ा कौन सा कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम पढ़ा अपने, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, जिसके मैं बता चुका कब शुरुआत हुआ था, 25 सितंबर 2014। कब हुआ था, 25 सितंबर 2014। अब बात करते हैं पांचवें कार्यक्रम, वो भी आपका इम्पोर्टेंट जो रहेगा, पीएम मुद्रा योजना, ओके। कौन सी योजना, पीएम मुद्रा योजना, इसके बारे में अपन बात करते हैं। पीएम मुद्रा योजना क्या है,
ओके, पीएम मुद्रा योजना जो है उसके बारे में बात करेंगे अपन। पीएम मुद्रा योजना जो है, अब देखिए पीएम मुद्रा योजना पहले सुन ले, इसमें खास खास बात है कि इस योजना में क्या क्या खास बात है, क्या क्या पॉइंट्स काम के। सबसे पहले तो माफ कर रहा हूँ, इसका प्रारंभ, इसका शुभारंभ, इसका उद्घाटन वो हुआ कौन सी अप्रैल, 8 अप्रैल 2015 जो भी है। अब देखो पूरा नाम, इसका पूरा नाम जब देखोगे तो पीएम बोले तो प्रधानमंत्री, ओके, यानी प्राइम मिनिस्टर। फिर आता है इसका नाम, देखो यहाँ पे मुद्रा का मतलब जाएगा माइक्रो यूनिट, मतलब सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, मतलब उनको डेवलप करना। रीफाइनेंस एजेंसी जो है इसका पूरा नाम है, ओके। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि पीएम मुद्रा प्रधानमंत्री, अपन बताए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये इसका पूरा नाम है, यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई। इसका उद्देश्य क्या है, सुना ध्यान से ना, उद्देश्य इसके नाम में छुपा हुआ है, क्या उद्देश्य है, माइक्रो यूनिट मतलब सूक्ष्म स्तर के उद्योगों को डेवलप करने के लिए उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, ओके। यानी भारत में छोटे व सूक्ष्म स्तर के उद्योगों को, छोटे व लघु स्तर के उद्योगों को अधिक से अधिक मात्रा में डेवलप करने के लिए, नए नए उद्योग स्थापित करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं इस योजना में विशेष बात क्या है, इस योजना में विशेष बात है कि इस योजना के माध्यम से प्रत्येक वाणिज्य बैंक के द्वारा, प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक के द्वारा 50,000 से लेकर 10,00,000 रुपए तक का ऋण उनको उपलब्ध कराया जाता है छोटा उद्योग स्थापित करने के लिए, ओके। यानी इस योजना के तहत जो है छोटे स्तर का उद्योग स्थापित करने के लिए कितना ऋण दिया जाता है, 50,000 से लेकर 10,00,000 तक का ऋण दिया जाता है, जिसमें एक होता है शिशु ऋण जो कितने का होता है 50,000 का, एक होता है किशोर ऋण जो होता है 50,000 से लेकर 5,00,000 का, और एक होता है तरुण ऋण जो होता है कम से 5 से लेकर 10। इसको बोलते हैं कौन सा ऋण, शिशु ऋण। इसको बोलते हैं कौन सा ऋण, किशोर। और इसको बोलते हैं कौन सा ऋण, तरुण। यानी इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म तथा लघु स्तर के उद्योगों की स्थापना करने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा वाणिज्य बैंकों के माध्यम से एक रियायती दर पर 50,000 से लेकर 10,00,000 रुपए तक का ऋण 3 भागों में प्रोवाइड कराया जा सकता है। जब आप प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक ऋण योजना के माध्यम से लोन लेने जाओगे तो लोन का फॉर्म भरते समय आपसे पूछेगा आपको कौन सी कैटेगरी का ऋण चाहिए, शिशु ऋण चाहिए, किशोर ऋण चाहिए कि तरुण ऋण। अब बात आती दिमाग क्लिक करेगा कि शिशु ऋण छोटा मोटा, कोई चाय की थड़ी लगानी हो, कोई वाला दुकान छोटी दुकान में तो शिशु, थोड़ा बड़ा उद्योग करना है तो कौन सा ऋण, किशोर ऋण। लेकिन अगर हमको चाहिए, अगर मिशन क्लासेस को डेवलप करना है तो मुझे कौन सा ऋण चाहिए, तरुण ऋण। 5,00,000 से लेकर 10,00,000 तक की ऋण की आवश्यकता हो सकती है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक ऋण योजना जिसका उद्देश्य देश में छोटे व सूक्ष्म स्तर के उद्योगों की स्थापना करने एवं उनका विकास करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, यही इस योजना का मेन उद्देश्य है, जिससे अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके। अरे मैडम आप लोगों को ज़्यादा समय आ गया क्या, तो क्या बात कर रहे हैं, सॉरी मैम ऐसे कर पा, फिर समझा बात, प्लीज़ रिक्वेस्ट है ना, हाँ थोड़ा ध्यान रखो, इसमें ज़्यादा समय आ गया फिर हमको बता दो, कोई दिक्कत ध्यान लेने को, मैडम समझा बात को, फिर प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोग माफ कर। मैंने कहा ना मैं गलत कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत कुछ बोल जाऊँगा, और मैं हमेशा धारणा, और ये धारणा कि जब मैं बोलूँगा तो स्टूडेंट मेरे सामने कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उसको पता है कि मैंने गलती की है, पता है मैं बिना गलती के किसी को कुछ भी नहीं कहता, बिना गलती के। तुम मेरे से क्वेश्चन पूछोगे मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, क्यों मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, इसका उनका धर्म होता है धर्म, भगवान प्रति वगैरह, तो ये धर्म है क्वेश्चन बताऊँ। लेकिन अगर मैं पढ़ाता रहूँ उसके बाद बदतमीजी निकालना, हंसना, दांत निकालना तो अलाउ नहीं है, ये तो अलाउ ही नहीं है ना। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो कोई कॉमेंट, कपिल शर्मा का शो तो चल नहीं रहा कि लाइटें लग रही, इसका कपिल शर्मा का शो चल रहा होगा, बोल चल नहीं रहा, ठीक है। तो पहले रिक्वेस्ट है, और मैडम मैं फिर कह सबको कह देता हूँ आगे भी, अगर भविष्य में मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इमोशन को लेकर, तुम्हारे जज्बात को लेकर, या तुम्हारे किसी को लेकर, रोगे रिकोगे कुछ भी होगा मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं गलत के लिए डांट सकता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। तो आप पढ़ाई तुम पढ़ाई ना, मुद्रा योजना देखो कितनी अच्छी होने मैडम, प्लीज़ समझा के बात को, हाँ ठीक है आगे। तो ऐसा मस्त रहा करो, स्कूल रहा करो, बिंदास रहा करो,
हर पल मस्त रहा करो, और मस्त रहने का तरीका पढ़ाई पे ध्यान दो। आप लोग थोड़ा समझो, आपको आप ये मान के चलो मैं इनके ऊपर बहुत बड़ा लिख देता हूँ, मैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम को तुम्हारा 10 पेज बढ़ा देता हूँ तो भी खत्म नहीं करने दूँ, लेकिन फिर मैं चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, जितना एग्जाम है उतना होता है मेन बात, उद्देश्य मेन बात, कोई बात कोई डेट सब खत्म, ठीक है। आप इसलिए थोड़ा तसली पढ़ो ठंडे दिमाग से, मैं यहाँ पे अपना ज्ञान छाटूँ ये जरूरी नहीं है, एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम्स के हिसाब से क्या अपने को पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। जबरदस्ती मैं आपको पढ़ाऊँ, चलो मोदी मोदी की तो हम लोग आरएस में ना आईएएस में मन लगवा, आईएएस या आरएस में मन लगवा, 135 योजना पढ़ाता हूँ, 135 योजना तो उनका काम ही है, और 135 योजना को मतलब समझते हो 60 घंटे तक तो योजनाएँ चलती है, क्योंकि आरएस में आती ही है डिटेल में, डिबेट्स इन पर होती है, चर्चा आईएएस में चर्चा इन पर होती है, और वहाँ डिटेल से पूछता है, एक एक बात पूछता है, खोद खोद के पूछता है, वो होता है ना परेशान करके पूछता है, बट आपके इतना नहीं पूछता, लेकिन आपके क्योंकि आपके सिलेबस में देखा भारत के विकास कार्यक्रम, तो भारत का विकास कैसे होगा, पढ़ेगा इंडिया का, बढ़ेगा इंडिया कैसे, बढ़ेगा इंडिया जब मेक इन इंडिया होगा तो पैसा आएगा बढ़ेगा, सीधी बात है, कोई इंसान डेवलप कैसे होगा जब उसके पास पैसा होगा, जब पैसा ही नहीं होगा तो कहेगा डेवलप, ठीक है। जब कहते हैं विकास के लिए पैसा होना चाहिए, वो विकास कहाँ गया भाई, हेलो तबियत तो सर दर्द क्यों हो गया, सर दर्द है बीमार क्यों हो गया, एक तो पहला सुख निरोगी काया, देश के मानव विकास ना, मानव विकास सूचकांक के लिए तुम लोग स्वास्थ्य ठीक रखो, तो है थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ा सीरियस रहो, तुम पढ़ते ही नहीं ना, पता क्या इंसान हो, आगे लिखो, अगला लिखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेके आप लोग शुभारंभ लिखे, मतलब पहले लिख लिया आप लोगों ने, बड़े कलाकार हो, क्या बोला मैंने क्या किया, मैंने नहीं ऐसा कुछ नहीं बना, मैंने इनको सेता नहीं की, नहीं इनको पूछने की तो ज्यादा हालत खराब करता हूँ, वो पीछे बैठे बैठे एक बजे कॉलेज छुपे रहते हो आगे, इसने मैंने क्या इनका जा नहीं ये गलत फहमी आपकी, ये बहुत गलत फहमी है, आप लोग अगर मैं किसी से प्यार क्लास के अंदर मैं चाहे मेरा भाई हो चाहे मेरा स्टूडेंट हो बहन कोई भी हो, क्लास के इतना क्लास है, क्लास के अंदर वो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट अगर गलती करे, अगर आप एक बार से गलती करा के दिखाना, देख वाले से हंस के दिखाना, मैं फिर समझाता हूँ उसको देख कैसे गलती करता है आगे, तो इसलिए गलती की तो सजा मिलेगी, माफी शब्द तो रहेगा ही नहीं, माफी शब्द का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है, कहीं कहता है कि इंसान कहीं हमको कहते हैं कि माफ करने से इंसान बड़ा हो जाता है, तो हाइट तो वैसे खूब बड़ी हो गई, कितनी हाइट बड़ी करें हम, तो अपने माफी शब्द तो अपने कहीं है ही नहीं कि माफी होगा मैं कर दू माँ, और ये भी ध्यान रखना मैं फिर कर रहा हूँ, माफ भी नहीं करूँगा और आपको डांटूंगा भी, आप रोओगे भी, लेकिन उस रोते समय भी आपका शब्दों को पूरा ध्यान रखूंगा, ये धारणा कल को तुम कहो ना कि जैसे मैंने आर्गुमेंट होता था ना मेरे क्लास में, तुम ऐसा हमको ऐसा कैसे बोला, बदतमीज शब्द का प्रयोग मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, शिष्टाचार के साथ तमीज के साथ अच्छे शब्दों का यूज करते हुए डांटने का तरीका होता है, जब कोई इंसान बोलता है कि अपन बोलते हैं तू काला है क्या, तो मैं काला नहीं बोलेगा ब्लैक है क्या, ठीक है अपन बड़ा तरीका बोलते हैं, तो इसलिए प्यार से होता है, कई बार कई लोग इंसान होते हैं कई बार जरूरत से, एक बार हमें किसी इंसान ने पूछ लिया कि भाई तेरे पिताजी क्या करते हैं, ठीक है, तो जनरल क्या होता है कि दो टाइप के लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति क्या कहता है मेरे पिताजी के सर परचने की थड़ी पे जाते हैं, परचने की दुकान कला रखी छोटी मोटी, और वही व्यक्ति अगर मान लो अगर शहर का होता है अगर अच्छी स्कूल में पढ़ता है और उसके चाहे यहाँ पे चाहे पान की थड़ी हो, उससे पूछे भाई तेरे पिताजी क्या कहते हैं, बोले पापा वो कहते हैं हमारे पिताजी का बिजनेस है, बोले किसका पान का, तो है तो बिजनेस ही भाई है तो व्यवसाय, लेकिन बोलने का फर्क हो गया, एक तो बेचारा बोला चाहे वो गाँव की थड़ी वाला ज्यादा कमा रहा हो, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कुछ नहीं सकते, तो एक दुकान चलाते पापा दुकान करते और कुछ नहीं करते, लेकिन वही अगर थड़ी वाला छोटी सी दुकान लेके बैठा रहा कहता है बिजनेस करते भाई पापा, तो बात तो सही बिजनेस ही करता है, व्यवसाय तो कर रहा है, व्यवसाय का मतलब जहाँ पे खरीदना बेचना होता है तो कर तो रही, तो फर्क होता है बोलने का, जब जनरल क्या होता है कि कई बार अपन कहते हैं टीचर, बोला क्या है, बोले मार साहब है, तो एक कितना अजीब लगता है, बोला क्या टीचर है सर प्रोफेसर साहब है, तो फर्क हो जाता है एक अलग शब्द का, बट काम वही है, वही पढ़ाता है वही काम करता है सब कुछ वही है, लेकिन एक रुतवा अलग हो जाता है, एक बोलने का तरीका अलग हो जाता है, इसीलिए आप ये मत कहना, ये कभी मत बोलना कि स्टूडेंट अपना अपना, कोई अपना नहीं है, क्यों मैं तो मैडम हाँ कैसे बताओ मैडम बताओ, मैंने आपके भरत आपके नहीं तो वो कहावत आपके भरतपुर में है क्या, बाकी है मैंने जोर से, अरे भाई सुन भाई मैंने भाई कहा मैंने भेजते तो नहीं करोगे ना अभी, हाँ फिर पता लगा कि
हाँ समझ ना आगे लेकिन मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन जो भी लगाओगे अच्छा ही बोला होगा इसलिए सबने ऐसा आ गए। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है, कोई भी चीज़ बुरा बना ठीक मैडम, बुरा तो नहीं लग रहा आपको मैडम? अब जाना आगे बोलना मत, लेकिन आगे आगे लिखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करो अच्छी तरह, अच्छी पढ़ाई करो, फिर अपने बड़े मोदी में जरा कह के चला जाएगा कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, वो जरा सबका साथ सबका विकास करता रहा, और तुम बताना किसका साथ और किसका विकास करो, तो ऐसा आपको नहीं करना ठीक है, ऐसे हरकतें आपको नहीं करनी बिल्कुल भी, क्लास के अंदर रहना ठीक है। और कभी जनरली कोई भी बात हो क्लास के अंदर आराम से बेक, देखो आपको मैं पहले कहता था अभी कहता था, हो सकता है इसका मतलब साइड इफेक्ट ज़्यादा हो गया, मतलब मेरे बोलने का साइड इफेक्ट, तभी पता है मैंने कह दिया कि भाई तुम पूछ सकते हो किसे, वो कहीं पता है तुम्हारे कोई टीचर पूछ लेते हो फिर तुम पंगे कर देते हो, मेरा भगवान मालिक है। पहली बात तो देखो एक हमेशा ध्यान, आगे आप भी जब टीचर बनो ना कभी ठीक है, बन ही जाओगे बनोगे क्या ठीक है, तो आप जब टीचर बनो तो एक हमेशा ध्यान रखना, सही चीज़ के लिए डांट सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डांटते समय कोई नाराज ना हो। और दूसरी बात है कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे ना तो उसको अधिकार पूछने का, उसने फीस जमा कराई है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि वो यहाँ पर लिखने नहीं आया, लिखने तो किताबों में खूब लिखा हुआ है, वो लिखने के लिए है, वो पूछने के लिए आया, समझने के लिए आया, उसको समझना है, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो पूछने का अधिकार सबको है। अच्छा बोलने का अधिकार ही सबको है, संविधान में बोलने का अधिकार है ठीक है, अगर मानो कंज्यूमर एक्ट में बोलने का अधिकार है, तो सब जगह एक्ट अधिकार है, तो अधिकार का तो उपयोग करेगा ही करेगा, और अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून बने हुए, तो आप कानूनों की अवहेलना तो नहीं कर सकते ना। तो जनरली कोई बच्चा चलती क्लास में क्वेश्चन पूछता है तो पहली बात तो ये, कोई भी हो एक्स वाई जेड कोई भी मंजर कई बार कह भी दिया, तो टीचर को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, टीचर का एग्रेसिव होना मतलब ये हो जाता है कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो घबरा रहा है वो डर रहा है, नहीं एग्रेसिव होने में बात ही नहीं है, क्यों एग्रेसिव भाई, ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ लोगे, ऐसा क्या जैसे नहीं उसने कहा कि सर आपकी डेट थी, मैं मान गया बात क्वेश्चन क्या हो गया, मान गया इसमें क्या दिक्कत है, हो गया कन्फ्यूज, डेट था डेट में हो गया, अब मैं इसको तू मेरे को बताएगा क्या, तू कौन आता बताने वाला फलाना डी, ये नहीं होना चाहिए कभी भी इसमें, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप को ऐसा भी नहीं जबरदस्ती कोई, अब जैसे माना उसका क्वेश्चन तरीके से पूछा मैंने इसको तरीके बात मानी तो बात ही खत्म, डेट्स पॉइंट क्लियर हो गया। मैं केवल स्टूडेंट को केवल एक ही चीज़ के लिए डांटता हूँ, पढ़ाई करते समय डिस्टर्ब ना करे, बस वो मैं बर्दाश्त नहीं करता, बाकी मस्त रहो आराम से क्या दिक्कत है, डिस्टर्ब करना आराम से आराम रोड पर मिलो ना क्या दिक्कत है, जब मिलते ही रात को मजे करते हैं, लेकिन मैं अलग टाइप से उस समय, इसका मतलब ये भी नहीं है कि यार सर तो रात को ऐसे बात करते घर में क्लास में फिर बोल के दिखाए, मैं हालत खराब करते क्लास में कुछ बदतमीजी करते हो, एक सेकेंड लगे एक सेकेंड जब सिर पर चढ़ सकता तो एक सेकंड नीचे उतार सकता हूँ कि नहीं कि ऊपर जाकर बैठ जाए, तो ऐसा भी नहीं होता कई बार। तो जनरली क्लास के अंदर क्लास के डेकोरम रखे और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर ध्यान दे, आगे लिखो। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या कहती है सुने ध्यान से, इस योजना का पूरा नाम लिखे पहले, तो इसका पूरा नाम क्या है मैडम, हो गया क्या आपका, अब लिखो आगे पूरा नाम पहले लिख लिया क्या, तो लिखो उद्देश्य, हाँ कोई बात नहीं पूरा नाम लिखो, प्रधानमंत्री का पूरा पूरा लिखो, मतलब पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, मतलब लिखो प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये इसका पूरा नाम है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, जिसको अपन मुद्रा योजना अपन कहते हैं क्लियर, जिसका शुभारंभ कब हुआ था 8 अप्रैल 2015। ओके सभी को लिखो उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य आप लिखिए, इस योजना का आप उद्देश्य लिख सकते हो, लिखे इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में छोटे व लघु स्तर के इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में छोटे व लघु स्तर के उद्योगों की स्थापना करने हेतु, देश में छोटे व लघु स्तर के उद्योगों की स्थापना करने हेतु
देश में छोटे व लघु स्तर के उद्योगों की स्थापना करने हेतु उद्यमियों को एक रियायती दर पर, मतलब रीजनेबल रेट पर, एक रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना है। ओके, ये तो गया इसका मेन उद्देश्य। फिर आप लिखिए विशेष, क्या है इसमें, आप लिखिए विशेष, इसमें लिख सकते हो, इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा वाणिज्य बैंकों के माध्यम से पचास हजार रुपए से दस लाख रुपए तक का ऋण तीन भागों में उपलब्ध करवाया जाता है। नीचे लिखो, ऐसे लिखो शिशु ऋण, मतलब कौन कौन सा होता है, सबसे पहला लिखो शिशु ऋण, सामने आप लिख सकते हो 50,000 रुपये तक, मतलब शिशु ऋण के तहत कितने रुपये दिए जाएंगे, 50,000 उपलब्ध कराएगा शिशु ऋण 50,000 रुपये तक। ओके, शिशु ऋण के तहत 50,000 रुपये। फिर लिखो किशोर ऋण, आप लिख सकते हो 50,000 रुपये से कितने लाख है, 5 लाख तक। और उसके लिखो तरुण ऋण कहाँ से कहाँ तक, 5 लाख से 10 लाख तक। ओके, तो ये एक आपकी योजना इम्पोर्टेंट। तो कितनी योजना होगी अपनी, 5। देखो मैं आपको बता चुका, अपन कौशल विकास यूनिट करंट अफेयर्स की यूनिट नंबर 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कौशल विकास कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहला पड़ा प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम 15 जुलाई 2015। मैं बता चुका स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 16 जनवरी 2016, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम 5 अप्रैल 2016, मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014, और उसके बाद में पीएम मुद्रा योजना, यानी अपन बात की पीएम मुद्रा योजना, जिसका शुभारंभ कब हुआ है, 8 अप्रैल 2015 को। ओके, सभी को क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं लास्ट योजना, बताइए सर सूक्ष्म में। तो एक बात, छोटे हो गए ना, सूक्ष्म स्तर आपको पता है सर, सूक्ष्म स्तर के उद्योगों के लिए, अगर मैं लघु लिखा है तो गलत लिखा है, ठीक है, आगे सूक्ष्म उद्योगों के लिए, क्योंकि माइक्रो है, ठीक है ना, स्मॉल के लिए नहीं है, सूक्ष्म में थोड़ा छोटे स्तर के उद्योगों के लिए, सूक्ष्म में छोटे स्तर के उद्योगों के लिए ओके। आगे देखिए अपन बात करते हैं, अब नेक्स्ट योजना की बात करें, अगली योजना जो आती है राजस्थान की योजना, जो सबसे इम्पोर्टेंट योजना आती है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हो अगली योजना के बारे में, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, लास्ट योजना अपन बात करें यहाँ पे, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की बात करें यहाँ पे,
देखिए अगली योजना अगर बात करें हमें तो मैं यहाँ बात कर सकता हूँ मुख्यमंत्री, कौन से मंत्री की बात कर रही है यहाँ पे, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, संबल योजना जो है। अब ये तो अपन पहले बात इसमें ये कह सकते हैं कि ये योजना एक बेरोजगारी भत्ता योजना है। क्या बोल सकते हैं? ये योजना एक बेरोजगारी भत्ता योजना है जिसकी शुरुआत जुलाई 2019 से हुई है। ओके, और इस योजना के माध्यम से और अपन ये कह सकते हैं देश की एकमात्र, राज्य की एकमात्र पहली योजना जो शिक्षित वर्ग के बेरोजगारों के लिए बनी हुई है, जो शिक्षित वर्ग के बेरोजगारों के लिए बनी हुई योजना है वो कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसका शुभारंभ जो हुआ था। अच्छा, इसकी घोषणा राज्य बजट 2019-20 में राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी, यानी राज्य बजट 2019-20 में इसकी शुरुआत हुई थी, शुभारंभ घोषणा हुई थी और इसे जुलाई 2019 से इसे लागू किया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को, राज्य के बेरोजगार युवाओं को जिनकी आयु 21 से 30 वर्ष तक है, आयु 21 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 21 से ज़्यादा और 30 से कम, उन युवाओं को 2 साल तक के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा रोजगार मंत्रालय के माध्यम से उनको बेरोजगारी भत्ता राजस्थान सरकार प्रोवाइड कराएगी। अब बात अधिक कितना देगी, तो महिलाओं की अगर बात करें, महिला और ये जितने मेरे ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनको 3500 रुपये दिए जाएंगे और पुरुषों की जब बात की जाती है कितने दिए जाएंगे, 3000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, यानी हर महीने 3000, तो 12 महीने के कितने हो गए 36000, 2 साल के कितने हो गए 72000। तो 72000 रुपये जो राहुल गांधी बोलता रहता है कि 72000 देंगे, ये देंगे, वो मिले नहीं मिले बात की बात है, लेकिन देने का वादा वो करके चले गए थे। ठीक है, तो 72000 रुपये देने का वादा सरकार ने किया। अब इसकी शर्तें, शर्त नंबर एक, एक तो युवा जो है वो उसकी आयु 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। शर्त नंबर दो, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। शर्त नंबर तीन, परिवार की आय 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शर्त नंबर चार, ग्रेजुएट होना चाहिए, बीए बीकॉम बीएससी होना चाहिए, परसेंटेज चाहे कुछ भी हो मतलब नहीं करता, ग्रेजुएट होना चाहिए। और उसके बाद शर्त नंबर पाँच, साल कितने साल के लिए मिलेगा, 2 साल, लेकिन 2 साल में अगर गलती से उसकी कोई नौकरी लग जाती है तो उसे कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर इन शर्तों को कोई व्यक्ति मानता है, इन शर्तों को कोई व्यक्ति पूरा करता है तो उसके पर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के माध्यम से उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना एक बेरोजगारी भत्ता योजना है। तो लिखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखो, यह योजना एक बेरोजगारी भत्ता योजना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना पहला लिखो। अब तो अपनी कलाकारी जो करोगे तो ऐसे होगा ना, मैंने कब कहा कि शुभारंभ लिखो, हाँ जबरदस्त, मैंने कहा कि शुभारंभ लिखो, मतलब अपना ज्ञान गणित लगाओ, गलती करोगे। लिखो, यह योजना एक बेरोजगारी भत्ता योजना है। यह योजना एक बेरोजगारी भत्ता योजना है। यह योजना एक बेरोजगारी भत्ता योजना है। यह योजना एक बेरोजगारी भत्ता योजना। सेकंड लिखो, इस योजना की घोषणा राज्य बजट 2019-20 में की गई। इस योजना की घोषणा राज्य बजट 2019-20 में की गई। इस योजना की घोषणा राज्य बजट 2019-20 में की गई। इस योजना की घोषणा राज्य बजट 2019-20 में की गई। ओके, उसके बाद लिखो, इस योजना को जुलाई 2019 से लागू किया गया। ओके, अब लिखो उद्देश्य कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का उद्देश्य क्या है। इसमें लिखो, इसमें आप लिख सकते हो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शिक्षित वर्ग के बेरोजगार युवाओं को, राज्य के शिक्षित एजुकेटेड, राज्य के शिक्षित वर्ग के बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को उनका हक प्रदान करते हुए, उनका हक प्रदान करते हुए, उनका हक प्रदान करते हुए उन्हें एक आर्थिक सहायता प्रदान करना है,
उन्हें एक आर्थिक सहायता प्रदान करना है, उन्हें एक आर्थिक सहायता प्रदान करना है, उन्हें एक आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ओके, अब लिखो विशेष पॉइंट। विशेष आप लिखे, विशेष पॉइंट लिखो। विशेष पॉइंट कह सकते हैं कि इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित वर्ग के बेरोजगार पुरुषों को 3,000 रुपये प्रति माह एवं महिलाओं को 3,500 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक के लिए दिया जाएगा। ठीक है, निम्न शर्तों को पूरा करते, कुछ शर्तें भी होगी, लेकिन इस योजना का मुख्य उद्देश्य या इस योजना के माध्यम से, इसमें इस योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित वर्ग के पुरुष बेरोजगारों को, शिक्षित वर्ग के पुरुष बेरोजगारों को, शिक्षित वर्ग के पुरुष बेरोजगारों को 3,000 रुपये प्रति माह है, 3,000 रुपये प्रति माह है एवं महिला बेरोजगारों को, महिला व ट्रांसजेंडर जो है, महिला बेरोजगारों को एवं महिला बेरोजगारों को 3,500 रुपये प्रति माह है, 3,500 रुपये प्रति माह है, 3,500 रुपये प्रति माह है दिया जाएगा। जिसके लिए निम्न शर्तें अनिवार्य है, जिसके लिए निम्न शर्तें अनिवार्य है, जिसके लिए निम्न शर्तें अनिवार्य। शर्त नंबर एक, अब देखो शर्तें कौन कौन सी सुने, तो पहली शर्त होगी कि बेरोजगार युवा राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। तो लिखो शर्त नंबर एक, बेरोजगार युवा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। बेरोजगार युवा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ओके, शर्त नंबर दो, दूसरी शर्त क्या होगी कि बेरोजगार युवा जो है ना, बेरोजगार युवा जो है वो स्नातक होना चाहिए, स्नातक मतलब अंडर ग्रेजुएट, अगर वो यानी अगर माना ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी बीए बीकॉम बीएससी होना चाहिए। ओके, तो लिखो बेरोजगार युवा स्नातक होना चाहिए, स्नातक मतलब अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए, यूजी होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। उसका लिखो उसकी आयु 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए, एज की बात करें तो 21 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए, आयु 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए, उसके लिए परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपए से कम होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपए से कम होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपए से कम होनी चाहिए। फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि उसको अदर कहीं से भी स्कॉलरशिप नहीं मिले, देखो उस अगर देखो उस युवक को या उस युवा को कहीं और से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उस युवा को कहीं और से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए, उस युवा को कहीं और से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लिखिए एक ही परिवार में दो ही लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि पूरा खानदान बेरोजगार तो लग जाए सारा, एक परिवार में दो लोग ही आवेदन कर सकते हैं, और उसके बाद लिखो
उसके ऊपर कोई पुलिस केस ना चल रहा था ना, तो लिखो उसके ऊपर यानी उस युवा के ऊपर किसी प्रकार का पुलिस केस नहीं चल रहा, किसी प्रकार का पुलिस केस नहीं चल रहा। किसी प्रकार का पुलिस केस नहीं चल रहा। ओके, तो ये थी आपकी कौन सी योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो अपना यूनिट नंबर दो, आपके करंट अफेयर्स का यूनिट नंबर एक महिला विकास कार्यक्रम, जिसमें आपने कितनी योजना पढ़ी थी, 6 योजना, यानी महिला विकास कार्यक्रम की आपने 6 योजना पढ़ी, और उसके बाद कौशल विकास कार्यक्रम या भारतीय विकास कार्यक्रम की कितनी योजना पढ़ी, आपने 6 योजनाओं के बारे में चर्चा की अपने। मैं बता चुका प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम 15 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई। ओके, मैं बता चुका आपको स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई। मैंने बता दिया स्टैंडअप इंडिया कार्यक्रम 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जुलाई 2019 से शुरुआत हुई। जो एक अपन कह सकते हैं, ये देखिए सुना ध्यान से, इसको अपन कह सकते हैं ये एक प्रकार की कौन सी योजना है, बेरोजगार भत्ता, बेरोजगारी भत्ता योजना। कौन सी योजना है, बेरोजगारी भत्ता योजना, इसको अपन कहते हैं एक, क्योंकि इसका पहले नाम क्या था, अक्षत योजना। क्या नाम था, अक्षत योजना, लेकिन अभी इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया, युवा संबल योजना। इसके तहत पुरुषों को कितने रुपये मिलेंगे, 3000 रुपये प्रति माह, कितने साल तक मिलेंगे, 2 वर्ष तक। ओके, और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 से लेकर 30। महिलाओं की बात करें तो कितने मिलेंगे, 3500 रुपये प्रति माह, होंगे कितने साल तक, 2 साल। बीच में अगर उनके किसी प्रकार की कोई नौकरी वोकरी लग जाती है तो उन्हें किसी प्रकार का यहाँ पर उसको बेरोजगार भत्ता नहीं मिलेगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट नंबर 2 को लेकर, 1 और 2 को लेकर। करंट अफेयर्स की 2 यूनिट मैंने आपको पूरी तरह से बता दी, दोनों यूनिट के बारे में जो बातें थी वो आपको बता दी, क्लियर। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन की ओर, तीसरी यूनिट की ओर अपन बढ़ते हैं, क्लियर। तो सभी को पहले सुनना ध्यान से, जैसे आप लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो उस सब्जेक्ट को भी आप ऐसे पढ़ते हो, जब कोई भी कोई भी सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी आप तरीके से पढ़ते हो कि मौर्य काल पे, गुप्त काल पे, महात्मा गांधी पे, महान पर, इस तरह से आप मतलब उनके मराठा वगैरह पढ़ते हो, तरीके से पढ़ते जाते हो, एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है, एक तरीके से अगर पढ़ते हो तो वो लय बनी रहती है। नहीं, जनरली क्या होता है कि करंट अफेयर्स को पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही असंभव होता है। कहीं पर भी आप देख लेना, कहीं पर भी जनरली करंट अफेयर नहीं पढ़ाया जाता, और पढ़ाया भी जाता है तो हो सकता है मतलब किस वे में पढ़ाया जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, ऐसा लगना चाहिए करंट अफेयर एक सिलेबस का पार्ट और चैप्टर है, उसको पढ़ते तो अच्छा लगता है और टाइम आराम दे सकते हैं, पर पता होना चाहिए कि उसको चैप्टर के पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, दूसरा चैप्टर कंप्लीट होगा, तीसरा चैप्टर क्यों बढ़े, मतलब उसको चैप्टर वाइज बनाकर उसकी पार्ट योजना बनाकर ही अपन उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद अपन को भगवान पर छोड़ देना कि अब ठीक है करंट है कुछ भी हो, लेकिन उसके मुद्दे सिलेबस को देखते जाओ, सिलेबस के इर्द गिर्द पढ़ते जाओ, आपका सेफ जोन में रहो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी, कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगी ये मोमल पढ़ने के कहीं कोई आवश्यकता नहीं, कोई वार सिंगार पढ़ने की आवश्यकता नहीं किसी प्रकार की, क्योंकि उनमें आप पता ही नहीं कर पाओगे किस चीज़ को पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किसको शामिल करना है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना जरूरी है। तो 2 चैप्टर आपके मैंने कंप्लीट करा दिए। अब बात करते हैं चैप्टर विद, मैं इसके बारे में और बता दूँ, अंतरिक्ष कार्यक्रम से एक कार्यक्रम आएगा, अंतरिक्ष कार्यक्रम भी आपको जैसे कि आपने देखे मैडम की क्लास देखी थी आप सब, एक मिनट सुन लो आराम से, क्योंकि जनरली साइंस की मैडम आराम से वहाँ पे आधे घंटे पौन एक घंटे की क्लास है अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर, आपने देखी नहीं क्या, तो देखने चाहिए ना आप, उसे नोट कर लेते क्या दिक्कत है, नोट ही तो करना था, देखने चाहिए ना, हाँ तो देखना, वो तो देखना, वो तो मैं बता देता हूँ ना कि कुछ चीज़ें वहाँ से देख लेना आपको सारी चीज़ें, मैं नहीं क्योंकि अंतरिक्ष कार्यक्रम मैडम देखो साइंस टेक की है, मैं पढ़ा दूँ वो अच्छी बात है, वो पढ़ा दे वो उससे डबल अच्छी बात है, वो कोई इश्यू नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, जिसका जो पार्ट रहेगा वो रहेगा, क्लियर। जैसे ऊर्जा संसाधन है तो ऊर्जा संसाधन आपको मैं नहीं, ऊर्जा संसाधन की जिम्मेदारी ज्योग्राफी वाले सर की होती है, क्योंकि ऊर्जा संसाधन तुम्हारे ज्योग्राफी के अंदर भी दे रहे हैं, अगर सिलेबस को देखा होगा तो सिलेबस को पढ़ा होगा तो पढ़ाया था कि ऊर्जा संसाधन, ठीक है, तो वहाँ वो भी सुना ऊर्जा संसाधन क्या होता है, वो नहीं लेटेस्ट आंकड़े भी उसमें आने चाहिए, तो वो चीज़ वहाँ रहती है। तो ये 2 टॉपिक जो रहते हैं ना, एक तो ऊर्जा संसाधन, एक आपका ये अंतरिक्ष कार्यक्रम और एक जनगणना, ये 3 टॉपिक जो रहते हैं, एक साइंस वाले का रहता है, साइंस टेक में आता है। अच्छा साइंस टेक यहाँ पे नहीं हुई क्या अंदर, साइंस टेक तो आपकी ऑफलाइन बेच में नहीं हुई क्या, कोई नहीं हो तो अच्छी बात है, ठीक है, आगे क्वेश्चन नहीं होता फिर क्या करें, नहीं तो कोई बात नहीं होता, साइंस टेक आपके नहीं हो तो ऑनलाइन होगी। और इसके बाद जनगणना, जनगणना भी आपको कराई या नहीं कराई, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है तो करनी पड़ती भाई, वो मेरे अधिकार से तो आने, क्योंकि इतने सारे आंकड़े याद करना संभव नहीं है। मैं आपको तो अपन ही कह सकते हैं कि 5 टॉपिक आपके, अभी मैं साइड में हटाता हूँ,
मेरे ऑलमोस्ट टॉपिक सुना ध्यान से, मैं करंट अफेयर को समराइज करके बताता हूँ। सबसे पहला टॉपिक महिला विकास कार्यक्रम, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग था मैंने करा दिया। भारत के विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम वो मैंने बता दिया राजस्थान के संदर्भ को लेते हुए, ओके। उसके बाद अगर लगेगा कोई योजना तो आपको और डाल देंगे अपन। उसके बाद तीसरा अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो आप मैंने की क्लास लेकर नोट्स बना लेना आराम से, क्लास को लेकर उसमें इसरो की स्थापना, इसरो के अध्यक्ष, कितने लॉन्च किए गए आर्यभट्ट से लेकर अब तक के भट्ट के जितने भी हैं, जो भी है सारे, ठीक है, जितने भी है सारे याद करना संभव नहीं है, तो उसे याद भी नहीं होंगे। इसरो के इतने सारे लॉन्चिंग हैं, लॉन्चिंग अगर बात करें तो याद करना सर। 2019 के इंपॉर्टेंट चंद्रयान वगैरह, इनको थोड़ा ध्यान रखना, वो थोड़ा काम के, उनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से रहता है और ऊर्जा संसाधन ज्योग्राफी का रहता है। अब बात करते हैं, जनरली क्या होता है कि दो टॉपिक मैंने आपको वैसे भी बता रखे, सैन्य अभ्यास को लेकर मैंने वीडियो बना रखा, सैन्य अभ्यास आप नोट कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते, किया या नहीं किया, बड़े नालायक हो, हाँ तो एक बार उसको नोट कर लेना। उसमें क्या नोट करना मैं बता देता हूँ, सुने ध्यान से। उसमें आपको नोट करना होता है जो, अच्छा जो नोट करना वही मैंने पढ़ा है, मैंने एक्स्ट्रा मैंने बताया भी नहीं वैसे भी, ठीक है। आपको उस अभ्यास का नाम ध्यान रखना कि उस अभ्यास का नाम क्या है, कोई भी वरुण है, मालाबार है या गरुड़ है, जो भी है उस अभ्यास का नाम, कि वो अभ्यास कौन सा है। तारीख याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, धारणा कब हुआ कैसे हुआ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हर साल होते हैं, होता ना जब दीपावली होली हर साल में आते हैं, तो दीपावली आनी होली आनी वो आती आती है, सब आती है, कोई बात नहीं। तो ये अभ्यास भी देशों के बीच होते रहते हैं, और उन्हीं देशों के बीच, अब ये नहीं है कि भाई पता लगा कि मालाबार अभी अमेरिका के कोरिया के बीच होगा, कल को किसी और के बीच होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जिसका नामकरण हो गया, जिसका वो हो गया, वो अभ्यास उसी के बीच में होगा, हर साल होगा, कभी कभार हो गया नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना अभ्यास का नाम, कि सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, और उसके बाद उस अभ्यास का वो देश कौन सा है, और वो कौन सी सेना, या थल सेना, वायुसेना या नौसेना, उसके बीच होगा, ठीक है। तो इन तीनों सेनाओं से किस सेना के बीच वो किया जा रहा है, कौन सी सेना, क्योंकि क्वेश्चन सेना का पूछ लिया जाता है कि ये अभ्यास कौन सी सेना के बीच में किया जा रहा है, ठीक है। तो अपन बात करें, एक बार मैं टॉपिक बताते जाता हूँ, फिर उसके बाद चर्चा करते आगे। देखिए अभी तक मैंने बताया आपको तो सैन्य अभ्यास के लिए, अच्छा अगर आप लोग वीडियो भी नहीं देखते तो कोई इशू नहीं है, अगर आप देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखते हो तो डबल अच्छी बात है, कहीं पर भी कोई हार्ड एंड फास्ट अपना नहीं है। मैंने अपने पेज पर उसको लिख पे दिया, मैंने आपको पेज पर लिख दिया, वहाँ से प्रिंट आउट ले तो प्रिंट आउट के मतलब नहीं, खुद हाथ से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खुद हाथ से अगर थोड़ी बहुत मेहनत कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे नॉलेज के लिए, तुम्हारे स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी रहेगा। तो आप लोग एक काम जानना, दो काम तो आपके ये ऐसे हो जाएंगे, सबसे पहला आपका कौन सा अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, कौन सा अभ्यास आपका, सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास जो है वो मैं आपको डाल रखा, मैंने आपको बता रखा, सभी लोगों ने देख रखा, इकोनॉमिक अपडेट्स के नाम से जो पेज है वहाँ पर आप लोग मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उठा लेना। वहाँ से उठाने का मतलब ये नहीं कि पेज को उठा लेना, उठाने का मतलब कि उसी को नोट कर लेना, लिख लेना, उसको देख लेना, उसको पढ़ लेना, ओके। नोट करने का वहाँ पर मैंने 30-35 अभ्यास लिख रखे, वहाँ पर देख लेना, इकोनॉमिक अपडेट के नाम से जो पेज है वहाँ पर आप देख सकते हो। उसी साथ साथ मैंने अभी चर्चित किताबें मैंने डाली थी, कौन सी किताब डाली थी, चर्चित पुस्तकें भी मैंने वहाँ पर डाल रखी है, जो भी पॉपुलर बुक्स वगैरह वो भी मैंने आपको इसी पेज पर आपको मिल जाएगी। बस इसमें काम की बात हो सुनना ध्यान से, इसमें दो किताबें आपको डालने, एक तो मातोश्री, मातोश्री जो कौन से महाजन की है, सुमित्रा महाजन की किताब जो है, उसकी जीवनी मतलब उसके आधार पर जो है, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, और एक है सबका साथ, किसका साथ, सबका साथ और सबका विकास, ये आपके एक दो किताब है, सबका साथ सबका विकास, ये आपको ध्यान में रखनी है। और ये किताब जो है शशि थतुर की है, किसकी है, शशि थतुर की, ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं अरुण जेटली शशि डिबेट सर, ये शशि थतुर की है, आप ये सर्च करोगे ना, अधिकतर कई जगह अरुण जेटली बताते हैं, लेकिन 99% चांस शशि थतुर की है, अरुण जेटली ने लॉन्च की थी इसको उसके आधार पर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एक चीज़ और, अच्छा एक अपन क्या खोया क्या पाया आप बताइए, क्या खोया क्या पाया, क्या खोया पाया, कौन से, अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी की ये किताब है, ठीक है। तो ये चीज़ रखना, और बाकी किताबें मैंने आपको 41 की तरह किताबें आपको लिख रखी है, वो आप पढ़ सकते हो, उसमें देख सकते हो सारी किताबें। तो एक तो मातोश्री, सुमित्रा महाजन, सबका साथ सबका शशि थतुर, एक बार इसको और देख लेना, मैं 90% श्योर हूँ कि ये शशि थतुर, क्योंकि शशि थतुर की है। नहीं वो भी है ये भी मैडम, एक जगह के दो किताब नहीं लिख सकते मैडम, किताबें कितनी लिखो इसमें कोई मना थोड़ी है सर, श्योर है, मैं देख लिया था, अभी सर्च भी कर लिया था, एक बार आप और देख लो कोई है तो भी, फेसबुक पे थोड़ी मिलेगी मैडम, एक बार सर्च करो गूगल सबका साथ, मैंने फोटो खींचने के लेने का मैंने, हाँ फोटो खींच रहे
जाने नहीं, गूगल क्या बताता है वो देख लो, गूगल तो हमेशा कई बार गलत बताता है। गूगल की गलती वजह से बेचारी की एक एक अभिनेत्री था जेल में बंद है। क्या आ रहा है इसमें? हाँ, अरुण जेटली आ रहा है क्या? अरे बहुत मातोश्री है, दिमाग खराब हो गया। देख ले यार, कन्फर्म इसको कन्फर्म करके लिख लेना। अरुण जेटली आ रहा है क्या? तो भाई छोड़ो फिर, देख ले मैं तो कांग्रेस से तो बुक नहीं लिख सकते मैडम। क्या नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं, फालतू बानी है एक जगह तो ये तो कन्फ्यूज है। कोई बात नहीं, बार अरुण जेटली लिख लो, क्योंकि यार मैडम सही कह रही है कि कांग्रेस बीजेपी का लेटर हो सकता है। ठीक है, देख लेना एक बार कंफर्म, एक बार और देख लेना, क्योंकि जो अलग अलग जगह अलग अलग है। कंफर्म यार, मैं तो पहले अरुण जेटली ही मानता था। सर लेकिन इसमें विमोचन करेंगे ऐसा लिखा हुआ है। कौन? अरुण जेटली। अरे विमोचन, ये तो बात है, किताब किताब के ऊपर, किताब के लोगों देख लो ना, लोगों में मिल जाएगा। पेज पे होता है, कौन पेज होता है, पेज कहाँ होता है? फेसबुक होता है। मजे ले रहा तू यार, पोर्टल किसे कहते हैं? तू यार कलाकार आदमी है, बड़ा कलाकार है तू यार, ऐसे ऐसे बेइज्जती क्या कर रहा है? तो देख मैं बोला पेज पर है, तो पेज कहाँ होता है? कॉमन सेंस की बात है। तो क्या हुआ? नहीं ठीक है, जो नहीं चलाए वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करें, उनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है, वो उनका भारतीय एनएसएसओ के द्वारा गरीबी का दर्जा दिया जाएगा, बीपीएल परिवारों के क्रेडिट शामिल कर लिया जाएगा। ये एनएसएसओ का गाइडलाइंस, मेरे गाइडलाइंस नहीं लगाना। आगे देखो, एक बार इसको देख लेना, इसको एक बार मैं और कन्फर्म कर लूँगा। आगे अब देखो, बातें नहीं सुनो ध्यान से। तो एक तो हो गया अपना सैन्य अभ्यास, और एक हो जाएगा चर्चित पुस्तकें जो आपको मैंने वहाँ पर लिख दी है, वहाँ पर आपको बता दी। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। और बाकी फिर अपन बात करें तीसरा टॉपिक, तीसरा पॉइंट मतलब महिला विकास कार्यक्रम को लेकर। किसको बात करें? महिला विकास कार्यक्रम। महिला विकास कार्यक्रम मैंने आपको छः के छः कार्यक्रम बता दिए, जो भी छः कार्यक्रम थे वो आपको मैंने समझा दिए। उसके बाद मैंने बता दिया आपको कौन सा कौशल विकास कार्यक्रम या भारत के विकास कार्यक्रम जो थे वो आपको बता दिए। कौशल विकास कार्यक्रम को लेकर मैंने आपके सामने चर्चा की। यहाँ पर कितने कार्यक्रम बता दिए? छः कार्यक्रम। अब बात करते हैं पांचवा टॉपिक, सुना ध्यान से। पांचवा टॉपिक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। कौन से कार्यक्रम? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। अब सुना ध्यान से, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को अगर समझना है, अगर समझना है तब तो आपको क्या करना है कि YouTube पे जाकर अपने चैनल पर देखना और दीपिका मैम का वीडियो देख लेना। समझना नहीं है, केवल प्रिंट आउट निकालना आप लोगों को, तो प्रिंट आउट जाकर पर यहाँ से निकाल लेना, अपने सेव करके वहाँ से आप निकाल लेना। ओके, किस तरह हम वीडियो नहीं देखेंगे, हम तो केवल लिख के देखेंगे, प्रिंट आउट करेंगे देख लेंगे। आपको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, पहले बार धारणा। यहाँ से जितनी किताबें मिली वो एक अननेसेसरी थी, पढ़ ली अलग बात है। आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात है उसके बाद, अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है तब तो आपको YouTube पे दे रखा है, वहाँ पे मैडम ने पढ़ा रखा है। और देख लेना, कोई इशू नहीं, रात को सोते सोते एक मतलब 15 मिनट आ देख लिया, 15 मिनट बाद नहीं, इसको कोई इतना इशू नहीं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और वीडियो का भगा भगा भी देख सकते हो, उसको आप फास्ट करके देख सकते हो। जनरली क्या होता है कि कुछ बच्चों को बताना चाहूँगा, अपन जब लाइव क्लास रिकॉर्ड होती है तो बच्चे कैसे धुंधला दिख रहा है, तो धुंधला नहीं दिखता, तुम्हारा दिमाग खराब है। कैसे? आप लोग उस वीडियो की क्वालिटी को कम कर लिया करो, कोई जगह HD में देखो, ये जगह HD में देखना जरूरी है। आप वीडियो की क्वालिटी को कम करके देख लिया करो, कोई जगह अपन अच्छी क्वालिटी का देखो, कोई अपन सोनी के TV में देखे, कई बार सैमसंग के TV में देख लो, माइक्रोमैक्स में देख लो, तो आप HD क्वालिटी उसको जाके सेटिंग में आकर क्वालिटी को कम कर लिया करो, आपको आवाज़ और क्लियरिटी दोनों साफ नजर आएगी। ठीक है, अब तुम क्वालिटी रखते हो हाई 1080 के मैकबुक रखते हो तो वो तो ऑब्वियस होता है, फटेगा फटेगा उसका लोग, फिर फटेगी क्वालिटी, फटेगी फटेगी, इतना तो है नहीं कि जबरदस्ती आपको दिखेगा। तो कई बार उस क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए आप उस क्वालिटी को मतलब उसको लेवल में लेकर बात कर लिया करो। क्लियर? तो एक चीज़ यहाँ से हो जाएगी। और उसके बाद अब सुने ध्यान से, तो ये तो कि अपने 5 टॉपिक जो अपन ने चर्चा की उनके बारे में अपन बात की या मैं आपको समझा चुका। अब बात करते हैं, अच्छा इसके अलावा 2 बातें मैं आपको समझा चुका, 6थी बात जनगणना। जनगणना आप लोगों को मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जनगणना आपको 2011 की राजस्थान की पढ़नी है। जाना राजस्थान को ज़्यादा फोकस मारना, भारत को छोड़कर राजस्थान पर ज़्यादा करना। और आई थिंक सर ने भी, तुम सब ऑफलाइन भेज के हो वैसे भी, और ऑफलाइन के भी नहीं होंगे तो जहाँ जहाँ से आए होंगे, अदर कोच कोचिंग से, अदर के संस्थान से, जहाँ पर आप लोगों को कभी पढ़ाया नहीं होगा क्योंकि उनको कभी बताया नहीं होगा, उनको आया या नहीं अलग बात है,
तो आप लोगों को भी वहाँ पर जनगणना बताई जाती है। जनगणना के आंकड़े याद करने होते हैं, डेटा याद करने होते हैं। और आप कोशिश करना दशकीय वृद्धि दर को याद करके जाना, मैं फिर करो दशकीय वृद्धि 2001 और 2011। अब सुनना ध्यान से, 2001 के आंकड़े याद मत करना, पागल याद करें। 2001 की तुलना में 2011 में क्या ग्रोथ हुई है, वृद्धि किसमें रही है, किसमें? और कम से कम 3 या 4 तो याद करके जाना है, टॉप 4 लोअर 4 धारणा, समझ मतलब कि ऊपर के 4 राज्य नीचे के 4 राज्य धारणा। क्योंकि आजकल क्वेश्चन आरोही अवरोही क्रम के हिसाब से पूछता है, वो आरोही क्रम से बताओ अवरोही क्रम से बताओ, तो एक राज्य या एक चीज नहीं देता, 4-5 चीजें देता है। तो कम से कम 5 चीजें का टुकड़े बना, 5 टॉप 5 लोअर, 5 टॉप 5 लोअर, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे जनसंख्या घनत्व के लिए हो, चाहे वो शिशु लिंगानुपात के लिए हो, चाहे वो मातृ मृत्यु दर के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, आपको 5-5 के टुकड़े करके याद करने चाहिए। तो जहां से भी आपको मिलता है, ठीक है, जहाँ से भी मिलेगा, हो सकता है मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूँ इसी पेज वाला, लेकिन मान लो ये थोड़ा मैटर अलग हो जाएगा, बाकी ये मैटर सब आपको मैंने पढ़ा भी दिया, आपको मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा। और जल्दी ही मैं आपको एक PDF बना के वहाँ पर दे दूँ, PDF बना के आपको नहीं दूंगा, आपको लेनी होगी, सही ना? पता लगा कि पीछे पड़ जाओ कि सर हमने पीछे आप दिया, पीछे कोई नहीं पड़ेगा, धारणा मांग पड़ेगा आप लोगों का, कोई किसी पर पैर करना बात को कि कोई भी समझा बात। एक चीज क्या होता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा वर्कलोड होता है और कई बार इरिटेट हो जाता हूँ, लेकिन क्या होता है वचनबद्ध होता है, इसलिए कुछ कह नहीं पाता। क्या वाला बच्चा स्टूडेंट को कह रखा कि फ़ोन कर सकता है, कुछ भी धमका सकता है, इसका मतलब कि धमका ही दो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कम से कम थोड़ा इतना रैम किया करो, और कम से कम टाइम होता है कोई चीज़, टाइम पूरे दिन क्लास रहती है, उसके बाद भी और मैसेज छोड़ देना चाहिए आपको, ठीक है बात करो उसको मैं देख लो अलग, और फिर अब क्या मैसेज छोड़ दे, मैसेज कहे कहाँ कहाँ पढ़े रहते, ये सब नहीं, मेरे को 10 दिन बाद पता लगता है कि मैसेज यहाँ पर भी आता है क्या, अभी तक मैं जानता भी नहीं हूँ कौन सा मैसेज कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं, इतना ध्यान नहीं रहता। तो कई बार स्पैम में चले जाते हैं, तो वहाँ देखता हूँ अच्छा मैसेज भी आया होता है, तब जाके चर्चा करनी पड़ती है। बट फिर भी कोई नहीं, आपको बात करनी नहीं ना, बात करनी क्यों है, आपको सब चीज़ यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तुम्हारे बोलने से या नहीं बोलने से नहीं होगा, होगा काम वैसे ही जब तरीके से होगा, आप बोलो या मतलब काम मैं अपने हिसाब से करूँगा क्योंकि मेरे को पता है। और ये मान के चलना एग्जाम से एक निर्धारित समय से पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, मैं जब पहले दिन में आया था कहा था कि 10-15 दिन पहले आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अभी एग्जाम का लोचा हो गया, इसकी वजह मेरी कोई गलती नहीं था, अभी तो किसने सोचा था कि ये प्रॉब्लम आ जाएगी, बट कोई बात नहीं, वो मैटर बात का अपना मैटर नहीं है। तो अपना इसके बाद, और एक होता है आपका ऊर्जा संसाधन, कौन सा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये भी आपका ज्योग्राफी का। अगर किसी इंसान को ऊर्जा संसाधन टॉपिक समझना है या कहीं देखना है, तो आप मेरी राय मानना, अगर किसी के पास इकोनॉमिक सर्वे का सारांश पढ़ाओ किसी के पास, तो इकोनॉमिक सर्वे में कहा था ऊर्जा संसाधन, इकोनॉमिक सर्वे, और ऑथेंटिक इकोनॉमिक सर्वे लेना आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर वाला, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर वाला वो इकोनॉमिक सर्वे, उसमें एक चैप्टर आता है ऊर्जा संसाधन का, उसके आंकड़े उठाना, उनके डाटा को देखना, नंबर 1 कौन सा, नंबर 2 कौन सा, वो एक इंपॉर्टेंट है। और वैसे ये भी ज्योग्राफी वाले का पोर्शन था, वो आपको बता दिया कि करंट के हिसाब से ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें है ना, ये सिलेबस की है, जैसे ये 2 चीज़ें आपकी ज्योग्राफी की है, ये आपकी साइंस की है। तो जनरली क्या होता है, प्रत्येक टीचर का एक कर्तव्य होता है ज्योग्राफी पढ़ाते समय कि वो इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ाए, क्योंकि करंट के भी है सिलेबस के भी है, और साइंस वाले टीचर का एक कर्तव्य होता है कि वो इसको भी पढ़ाए। जो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता उसको टीचर कहलाने का अधिकार थोड़ा कम रहेगा, क्लियर? तो बात करें, तो यहाँ पर बात करें ये 3 टॉपिक, तो टॉपिक कितने हो गए 7। अब बात करते हैं अपन आगे के टॉपिक को लेकर, अब अपने बसते एक तो स्वास्थ्यप्रद योजनाएं कि सरकार की स्वास्थ्यप्रद योजनाएं कौन कौन सी है, सुना ध्यान से। अभी अपन बात करेंगे आगे कि सरकार की स्वास्थ्य को लेकर योजनाएं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य योजनाएं, स्वास्थ्य से संबंधित जो योजनाएं होती है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, केंद्र और राज्य दोनों की। उसके बाद अपना रहता है इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कारण क्यों, क्योंकि लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए तो चुनावों में बहुत लोग चर्चा में रहे थे, उनको लेकर भी बात करेंगे, लोकसभा विधानसभा के चर्चित व्यक्ति और कौन से व्यक्ति को पुरस्कार मिला वो आते। उसके बाद एक आपका रहता है पुरस्कार का लेकर, कौन सा रहता है पुरस्कार, जिसमें आपको 3-4 पुरस्कार है, और एक आपका रहता है चर्चित पुस्तकें, किसके पुस्तकें तो अपनी होगी। उसके बाद अपना रहता है खेलकूद, कौन सा कूद रहता है खेलकूद, और एक अपना जाएगा यहाँ पर कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं, कौन सी घटनाएं रहेगी, महत्वपूर्ण घटनाएं आपके यहाँ पर रहेगी। अच्छा, यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाओं की मैं बात करूँ, सुने ध्यान से, महत्वपूर्ण घटनाओं में से सबसे पहली बात आती है शिखर सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन मैं आपको करा चुका, आपको बता चुका, उसकी PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आपको दे दी गई है। शिखर सम्मेलन मैंने करा दिया ऑनलाइन, आपको क्लास में करा रखा था, आपको बता रखा था, जितने भी शिखर सम्मेलन G20 G7 सार का बीस्ट बिमसे का WE का सब आपको बता दिया, जो भी आपको है। अब मैं आपको अगला जो वीडियो में आपका रहेगा वो रहेगा आपके महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में, किसके बारे में रहेगा सूचकांक, कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, ठीक है, वैश्विक अगर माना नवाचार में सूचकांक कौन सी है,
प्रसन्नता के आधार पर कौन सी है, भ्रष्टाचार के आधार पर कौन सी है, आतंकवाद के आधार पर कौन सी है, अलग अलग तरह के सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में क्या रैंक है ये सूचकांक का, और एक इसके अंतर्गत रहता है अपना महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन का, एक रहता है अपना यहाँ पर घटना को लेकर आ जाता है कोई भी सैन्य अभ्यास, वो अपन बताई दिया सैन्य अभ्यास में आपको समझाई दिया। अब देखिए तो अपने पांच टॉपिक छोटे से और रहते हैं, पांच टॉपिक अपने और रहते हैं जिसमें स्वास्थ्य योजनाएं, चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार, खेलकूद और महत्वपूर्ण घटनाएं, ये करंट अफेयर्स के पांच टॉपिक अपने रहते हैं। तो ये आपके पूरे करंट अफेयर का एक तरीका है, यहाँ तक मैं सारी बातें बता चुका, सब चीज़ समझा। अब बचा कौन सा पोर्शन, उधर का पोर्शन।